फायर मतलब डिस्काउंट डिस्काउंट वाला नहीं फायर मतलब एग्जीक्यूट करना ये एक करड एप्लीकेशन का कोड है जो बैकएंड में कोड लिखा गया है वो बहुत डिफरेंट है एक प्रोग्राम वाले कोड से यहाँ पर जो एक प्रोग्राम बना दिया गया सिंपल जैसा कि आपको दिख रहा है एक ही क्लास है उसके अंदर में बहुत सारे मेथड बना दिए क्रिएट डाटा बेस हो गया क्रिएट डाटा हो गया ठीक है ऐसे इंसर्ट डिलीट सब कुछ अपडेट ये ये एक प्रोग्राम है ठीक है बस सिंपल लेकिन एक जब बात करें एप्लीकेशन की वहाँ देखो यहाँ पर आपको पूरा दिखेगा केसेस स्विच केस यहाँ पर आपकी बेसिक जावा यूज़ हो गई ठीक है इसी के अंदर आप देखोगे एरे लिस्ट भी मैं यूज़ कर रहा हूँ कलेक्शन फ्रेमवर्क भी यूज़ हो रहा है ठीक है डाटा की एक अलग क्लास है जे की अलग क्लास है एम्प्लॉई एक अलग क्लास है इंप्लॉई डाओ एक अलग क्लास है जो हमारी डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट क्लास होती है ठीक है जिसका काम होता है रिस्पॉन्सिबल होती है वो क्लास एक्चुअल में डेटा से कनेक्ट करने के लिए

आपको मिलने वाला और मैं बताऊं स्पून फिटिंग कुछ नहीं है सब कुछ मैं आपको समझाऊंगा और बैट लगा के बोलता हूं उसके बाद तुम खुद इंप्लीमेंट कर पाओगे खुद चीजें विजुलाइज कर पाओगे सोच पाओगे कैसे कैसे चीजें हो रही है वो सोच देने वाला हूं गेट रेडी फॉर दैट ओके लेट्स गो हाँ भाई तो अभी जेडीबीसी क्या होता है सभी को पता चल चुका है एप्लीकेशन का क्या रोल है डाटा का क्या रोल है हा कि ना मैंने इस पर पहले से वीडियो बना दिया अब यहाँ पे इंट्रो नहीं देता फिरूंगा ठीक है जे क्या होता है सेटअप कैसे करते हैं मैंने पहली वीडियो डाली थी जे इन टेन मिनट्स ठीक है वो सभी ने देखी कि नहीं सेकेंड वीडियो मैंने कौन सी डाली वी कोड के साथ सेटअप करके दिखा दिया कुछ बच्चे क्लिप्स कह रहे हैं कुछ वीएस कोड वी कोड के साथ मैंने कर दिया अभी मैं आज जो भी पूरा कोड लिखूंगा सेटअप करूंगा पूरा ही कैसे ट्रांसफर हो रहा है डाटा सब कुछ हम करेंगे वो सब कुछ हम किसके अंदर करने वाले हैं आज करेंगे हम इक्लिप्स के अंदर क्योंकि भाई बच्चों के वोट आए थे इक्लिप्स वालों के भी ठीक है तो मैं किसी के साथ भी पार्सलिटी नहीं करने वाला सो so, अभी जिनको बिल्कुल भी कुछ नहीं पता है जेडीबीसी क्या है या फिर रिवाइज कर लेते थोड़ा सा यू मान के चलो तो जेडीबीसी आपको कुछ नहीं समझना है एक प्रोसेस है इट इज द प्रोसेस इन विच आर डेटा स्टार्ट टू कम्युनिकेट विद द एप्लीकेशन विच एप्लीकेशन द जावा एप्लीकेशन ओके इसके साथ कम्युनिकेशन होता है कुछ लेन देन चलता है बातचीत होती है हाई हेलो होती है ओके तो अब ये कम्युनिकेशन किस प्रकार की हो सकती है हाई हेलो कैसी हो सकती है तो देखो हो सकता है हम डेटा बेस क्रिएट कर रहे हूँ हो सकता है हम टेबल क्रिएट कर रहे हूँ ठीक है कुछ भी कर सकते हैं कहाँ से अपने जावा एप्लीकेशन से यस डाटा बेस के अंदर और ये डाटा बेस में पूरा परमानेंट जो भी हम स्टोर कर रहे होंगे परमानेंट हो रहा होगा और डेटाबेस हमारा हो सकता है आपका ऑनलाइन कहीं हो ठीक है जैसे क्लाउड पर हो कई बच्चे मेरे से अभी कमेंट में पूछ रहे थे सर क्या हम ऑनलाइन यूज़ कर सकते यस एक फ्री एस क्यू डेटाबेस मैंने आपको बताया था कमेंट में राइट हो सकता है ए डब्ल्यू एस पे स्टोर करो क्योंकि जब ऑनलाइन आपका एप्लीकेशन जब कहाँ हो, हो जाता है डिप्लॉय हो जाता है ठीक है सर्वर पर तब तो आपको ऑनलाइन ही डेटाबेस की ज़रूरत पड़ती है खुद का डेटाबेस नहीं कर सकते अभी हम एप्लीकेशन बना रहे हैं तो मैंने माई एस क्यू एल सेटअप करके दिखाया था वी एस कोड वाली वीडियो के अंदर तो ये जिसने नहीं किया वो कर लेना कर रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है आज तक मैं बता रहा हूं अगर आपको स, जो एक एक वर्ड में लिखूंगा ना कोड वो पूरा सब कुछ समझाने वाला हूं सबकी वीडियो देख ली होगी शायद इससे पहले बहुत बार लेकिन वो क्लैरिटी नहीं मिली होगी एग्जीक्यूट क्या होता है एग्जीक्यूट अपडेट क्या होता है एग्जीक्यूट क्वेरी क्या होती है कनेक्शन क्या होता है ये सब कुछ मैं इस वन वीडियो में बताऊंगा फिकर नॉट ठीक है इसके बाद हम देखेंगे जैसे बातचीत टेबल हो गया डाटा को इंसर्ट करना ठीक है मतलब डाटा स्टोर करना डेटा अगर कुछ हो गया अपडेट करना टेबल के अंदर ठीक है और यहाँ पर डिलीट अगर आपको कोई डाटा है आपके पास उसको डिलीट करना है आपका मन नहीं किया ठीक है वो ख़राब डाटा है डिलीट कर सकते हो अगर आपको सारा डाटा रीड करना है तो आप सिलेक्ट कर सकते हो ठीक है रीड सिलेक्ट कमांड हमारी जो क्वेरी होती है वो यूज़ होती है रीड करने के लिए तो ये सारी की सारी चीज़ें हम डेटा बेस से जावा एप्लीकेशन के साथ बातचीत करवा सकते हैं काम करवा सकते हैं अपना जावा एप्लीकेशन डेटा बेस से ये सारी चीज़ें मैन्यूपलेट कर सकता है ठीक है तो so, ये पूरी कैसे प्रोसेस होती है कैसा वो सेटअप होता है ठीक है ये सारी कैसे चीज़ें चलती हैं वो मैं एक बार दिखा देता हूं आपको तो एक प्रोसेस होती है जैसे आपका जवा का एप्लीकेशन हो सकता है स्विंग एप्लीकेशन स्विंग कौन से होते हैं जो आपके डेस्कटॉप एप्लीकेशन हो गए ठीक है आपके सर्वर एप्लीकेशन या वेब एप्लीकेशन बोलते हैं बंदे ठीक है वेब ऐप या आपका क्या होता है जेटू है ना जे टुई. ये वाले एप्लीकेशन हो गए ठीक है आपके सर्व लेट हो गया या जेएसपी हो गया एंड द थर्ड जो आपके मोबाइल एप्लीकेशन होते हैं एंड्रॉइड एप्लीकेशन होते हैं उसके पीछे का कोड जावा में ही लिखा है ठीक है तो अब वो जावा में जैसे आपका यूट्यूब बनाया किसी बंदे ने तो यूट्यूब किस में मान लें कि चल लो में बनाया पीछे का कोड जावा में लिखा हुआ है अब उससे उसका जो डेटा बेस से कनेक्टिविटी जब हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं वो वीडियो अपलोड कहाँ हो रही है डाटा बेस के अंदर तो इनके बीच में कैसे कनेक्शन फिट हो रहा है ये देखो तो चाहे फिर आपका स्विंग एप्लीकेशन हो वेब एप्लीकेशन हो या कोई आपका एंड्राइड एप्लीकेशन हो सबसे पहले वो जे डी बी सी ए पी आई पर जाता है ए पी आई कुछ नहीं है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस ये हमारे को यूँ मान के चल लो अभी ये आपको एक लाइब्रेरी सेट ऑफ लाइब्रेरी सेट ऑफ कोड प्रोवाइड कर देता है जिसकी हेल्प से आप कनेक्ट कर पाते हो डेटाबेस से ठीक है आपको खुद के कुछ क्लासेज इंटरफेसेज नहीं लिखने पड़ते हैं खुद का कुछ कोड नहीं लिखना पड़ता है ये आपको क्या मिल जाता है जैसे कलेक्शन फ्रेमवर्क में हमने पढ़ा था रेडीमेड चीजें मिल जा रही थी तो रेडीमेड आपको चीजें मिल जाएंगी ठीक है इसके बाद आपको जरूरत पड़ेगी ड्राइवर मैनेजर की किसकी ड्राइवर मैनेजर की ठीक है क्यों ये आपका ड्राइवर मैनेजर ही बताएगा कौन सा ड्राइवर आप लो कौन सा मत लो कौन सा कब काम आने वाला है तो चार तरीके के आपको ड्राइवर दिखने वाले हैं कौन सी गाड़ी के जो हमारी जावा की गाड़ी है ठीक है इस गाड़ी के आपको चार ड्राइवर दिखेंगे पहला आपका हो गया जेडीबीसी ड्राइवर सेकेंड आपका हो गया नेटिव ड्राइवर थर्ड हो गया आपका थिन ड्राइवर और फोर्थ है आपका नेटवर्क प्रोटोकॉल ड्राइवर जोन सा आपको चाहिए जिस जरूरत के हिसाब से वो आपका ड्राइवर मैनेजर उसको लेगा और उसके बाद उससे कनेक्ट कर लेगा ठीक है 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 इसके बाद आपका काम शुरू होता जिस ड्राइवर से आपने कनेक्ट किया है, उसकी हैिटी बनेगी आपको डाटा बेस तक पहुंचाने की इसकी, जिस ड्राइवर को आपने लिया अभी आप हम इसमें सिर्फ जेडीबीसी ड्राइवर का यूज करने वाले हो सकता है आप नेटिव ड्राइवर को भी यूज करके जा सकते हो थिन ड्राइवर को भी नेटवर्क प्रोटोकॉल ड्राइवर को भी आप लेकर हम माई एस्क से सेटअप कर सकते हैं लेकिन हम इस वीडियो में क्या पढ़ रहे हैं जेडीबीसी जेडीबीसी ड्राइवर क्या है देखो इससे पहले एक और ड्राइवर होता था ठीक है उसको अब जावा में प्योर कोड कर दिया गया क्योंकि वो डिपेंडेंट था और हम अपना एप्लीकेशन जावा का बना रहे हो जावा की आपको खासियत पता है इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट तो अभी ये जेडीबीसी ड्राइवर जो है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है राइट मोस्टली जेडीबीसी ड्राइवर ही यूज होता है बाकी टोटल फाइव स्टेजेस होती हैं स्टेप्स हो सकते हैं आप बोल सकते हो जो हमारे को हेल्प करते हैं जावा एप्लीकेशन को एक डेटाबेस से कम्युनिकेट करने में कनेक्शन स्टैब्लिश करने में कोड के अंदर इससे पहले आपको क्या एक जार फाइल को भी इंक्लूड करना पड़ता है वो मैं आपको दिखाऊंगा ठीक है जो मैंने वी एस कोड में बताया था सेम इक्लिप्स में भी आपको करना पड़ता है एड ठीक है तो इसमें क्या है पहला स्टेज जो होती है जिसको आप स्किप भी कर सकते हो आप जो न्यू वर्जन में स्किप हो गई है लोड करना किसी भी ड्राइवर को जिस ड्राइवर को हमने जार फाइल से एड किया है उसको लोड करना अपने कोड के अंदर ठीक है जब वो लोड हो जाता है सेकेंड उसके बाद स्टैब्लिश होता हमारा connection. Connection है हमारा कनेक्शन कनेक्शन ऑलरेडी एक इंटरफेस है हमारा और ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन से हम मैथड कॉल करते हैं और क्या करते हैं कनेक्शन को स्टैब्लिश करते हैं चेक करते हैं वहाँ कनेक्शन हुआ कि नहीं उसके अंदर हम यू आर एल यूजर नेम पासवर्ड डालते हैं ये कैसे मिलेगा कहाँ से मिलेगा ये भी मैं बताऊंगा तसली रखो फिर हम क्या करते हैं एक स्टेटमेंट स्टेटमेंट हम बनाते हैं ठीक है स्टेटमेंट हमारा इंटरफेस है जिसमें कनेक्शन के कनेक्शन का जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया है उससे हम क्या करेंगे क्रिएट स्टेटमेंट करते हैं इससे क्या होगा क्योंकि जब भी कोई क्वेरी लिखनी पड़ती है हमको कोई क्वे डाटा बेस को अगर हमारे डाटा बेस से हमारे को वैल्यू लेनी है रीड करनी है डिलीट करनी है कुछ भी करना है तो हमको क्वेरी अपडेट करनी पड़ती है क्वेरी उसमें एग्जीक्यूट करनी पड़ती है फायर करनी पड़ती है कुछ भी बोलो मतलब भाई एक क्वेरी है जो इंटरेक्ट करेगी जिसकी हेल्प से आप इंटरेक्ट कर सकते हो डाटा से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से नहीं कर सकते हो ठीक है यह मैंने एसक्यूएल में समझा है वो वीडियो भी देख सकते हो तुम तो। अभी उससे क्या है तो मेरे को वो क्वेरी कैसे मेरी फायर होगी वो एक स्टेटमेंट में जाएगी और स्टेटमेंट मेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी तो उसके लिए क्या किया जैसे मैंने यहां पे क्वेरी लिख रखी है ये देखो क्वेरी अब ये क्वेरी मैंने यहां पर लिखा हुआ है स्ट्रिंग क्वेरी मैंने एक स्ट्रिंग टाइप की क्वेरी बनाई है जिसके अंदर लिखा है इंसर्ट इंटूस्ट क्योंकि जावा को नहीं पता है वो क्या है जावा के लिए वो पूरी एक स्ट्रिंग है बट जब एग्जीक्यूट हो जाएगी डेटा से जा रही होगी तो डेटा के लिए वो पूरी क्वेरी होगी पूरी वन लाइन स्टेटमेंट होगी ठीक है तो इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स वैल्यूज वन जीरो नाइन बट ये ये वैल्यू हमारी स्टूडेंट वाली टेबल में जाके इंसर्ट हो जाएगी ओके तो अब इसको एग्जीक्यूट करने के लिए यहाँ लिखा देखो एस टी का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया एग्जीक्यूट अपडेट ठीक है एग्जीक्यूट अपडेट होता है एग्जीक्यूट होता है और एग्जीक्यूट क्वेरी होता है इसमें भी डिफरेंस है बच्चे कंफ्यूज होते हैं वो भी मैं आगे चल के डिस्कस करूंगा ठीक है तो ये इसमें मैं क्वेरी पास कर दूंगा ये मेरा क्या हो गया ये मेरा कौन सा मेथड हो गया पैरामीटर वाला मेथड ठीक है ना तो यहां पर मैंने पैरामीटर पास कर दिया इसके अंदर आर्ग्यूमेंट बोल लो राइट अभी इसके बाद ये क्या हो जाएगी ये मेरी थर्ड स्टेटमेंट मेरी स्टेटमेंट क्रिएट हो गई फोर्थ मेरी क्वेरी एग्जीक्यूट हो गई फिफ्थ जो भी कनेक्शन आपने बनाया है उसको क्या खुला छोड़ दो कैसे अगर खुला छोड़ दो कल को कोई हैकर आएगा वो और डेटा को निकाल लेगा हम तो नहीं चाहते ना तो ऑलवेज क्लोज द कनेक्शन एट द एंड ठीक है तो लास्ट हमारा क्या होता है ये कनेक्शन डॉट क्लोज कर दिया हमने ये पांच स्टेजेस होती हैं किसी भी जावा एप्लीकेशन को कनेक्ट करने के लिए डाटा से ठीक है अभी देखते हैं हम कुछ क्वेरीज ठीक है आपको कुछ बेसिक क्वेरीज पता होनी चाहिए अगर जैसे हम एप्लीकेशन बना रहे जा रहे हैं ठीक है क्योंकि अगर नहीं पता होगी तो सर के ऊपर से सारी चीजें जाने लग जाएगी तो वो कैसे होती हैं जैसे हम क्रिएट करें इंसर्ट करें अपडेट करें डिलीट करें सिलेक्ट करें कुछ भी करो आप सबकी क्वेरी है सबकी स्टेटमेंट है डेटा से इंटरेक्ट करने के लिए ठीक है अभी जैसे क्रिएट आपको करना है क्रिएट टेबल टेबल नेम स्टूडेंट्स डाल दिया मैंने जैसे ठीक है फिर उसके बाद जो भी उसके कॉलम नंबर है रोल नंबर फिर कॉलम का टाइप नेम फिर नेम हमारा किस टाइप का हो सकता है हमारा ये मैंने वेरिएबल कैर में लिया ठीक है तो कैरेक्टर वेरिएबल्स हैं बहुत सारे स्ट्रिंग हो गया ठीक है तो ट्वेंटी इंट का साइज डाल दिया तो इससे क्या होगा मेरी एक टेबल बन जाएगी जिसके अंदर मेरे कितने दो कॉलम बन जाएंगे ठीक है पहला मेरा रोल नंबर जिसमें इंट टाइप की वैल्यू जाएगी अब की बार और दूसरा मेरा क्या हो जाएगा नेम सेम ऐसा ये जैसे हम वेरिएबल बनाते थे राइट right? इसके बाद

एक और तरीके से हो सकती है अगर मैं कोई कॉलम मिस नहीं कर रहा हूं तो यह मैं काट भी सकता हूं ठीक है इसको मैं स्किप कर दूंगा इनसेट इंटू स्टूडेंट वैल्यूज डालूंगा वन शिव तब भी हो जाएगा अगर मैं डालू टू और कुछ और डालता हूं टू और कोडिंग ठीक है कोडिंग लो भाई तो ऐसे हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं ठीक है थर्ड जैसे अपडेट करना हो तो ये मैं क्रड एप्लीकेशन बनाने की तरफ मूव करूंगा यू मान के चलो क्रड क्रड क्या होता है देखो पता ही चल गया होगा कोई कर्ड बोल देता है ठीक है उससे मतलब नहीं है कर्ड दही वाला नहीं ठीक है तो ये क्रिएट हो गया और ये रीड हो गया ठीक है ये अपडेट हो गया डेटा और यहां पर क्या हो गया डिलीट हो गया। ये वाला क्रड बनता है क्योंकि क्रड तो फिर आपका दही भी बोल दोगे कोई भरोसा नहीं है चलो तो डिलीट से एक और डिलीट क्वेरी होती है क्योंकि ये मैं लिखने वाला हूं उसके अंदर प्रोग्राम के अंदर अपने ठीक है तो आपको पता हो यार सर से ऊपर ना जाओ और पता है तो रिवाइज कर लो कोई दिक्कत नहीं तो डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर रोल नंबर वन ये क्यों अब देखो पूरा अगर टेबल डिलीट करनी होगी तो उसके लिए अलग है क्वेरी जल्दी कमेंट में बताओ अगर किसी को आती है तो ठीक है अच्छा ड्रॉप उसमें डिलीट होती है ड्रॉप भी होती है ट्रंकेट क्या डिफरेंस है पता है यार ये मैं पूरा एसक्यूएल में पढ़ाऊंगा फिर खिंच जाएगा है ना जिसको पता है कमेंट करो ठीक है तो डिलीट करना है अगर आपको कोई डेटा मान के चलो भाई मेरे को कोई एक वैल्यू तो डिलीट करनी होगी मैंने जो एक्स्ट्रा भर दी है या कुछ गलती होगी तो मान के चलो मेरे को टू डिलीट करना है तो मैं क्या करूंगा मेरे पास एक आईडी होगी ठीक है एक आईडी होगी जिसको लोकेट करके या रोल नंबर है जैसे उससे लोकेट करके मैं पूरा सब कुछ डिलीट कर सकता हूँ जो लिखाना डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स वे रोल नंबर इक्वल टू वन सब डिलीट हो जाएगा पूरी ये पूरी की पूरी रो जे रीड करना हो ठीक है जितनी भी वैल्यूज हैं उसके अंदर कुछ नहीं करना आपको सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स ये सबको याद होती है ठीक है सबको इंटरव्यू में यही नहीं पूछते बाकी तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट स्टार का मतलब सब कुछ प्रिंट करके दे दे भाई मेरे को सब कुछ फैच करके दे दे ठीक है सबसे बेसिक होती है अगर आपको कुछ स्पेसिफिक करना हो ठीक है फैच कोई आपको मेरे को सिर्फ एक बंदे का डेटा चाहिए दो बंदे का चाहिए पांच बंदे का चाहिए तो बताओ क्या करते होंगे जिनको पता है वो बताओ बाकी मैं ये सब एस क्यू एल का जब बनाऊंगा तब पढ़ाऊंगा शिद्दत से आराम से तसल्ली से ठीक है अभी हम एक करेड ऐप बना रहे हैं ये बहुत बेसिक होता है और एक तरीके से आप देखोगे पूरे जितने भी एप्लीकेशन बनते हैं ऐसा ही कुछ होता है या तो हम देखो फोटो कोई फेसबुक पे भी अकाउंट जब बनाते हो फोटो या तो डालते हो या तो डिलीट करते हो यही सब है अगर कुछ हो जाता है तो अपडेट कर रहे होते हो और क्या है कुछ भी नहीं है तो वही सारी चीजें हो रही होती हैं अपना एक अकाउंट बनाते हो तो क्रिएट करते हो राइट right. ये सब है नौ। जैसा कि मैंने आपको बताइए मैं स्टैग ओवर फ्लो से लेके आ रहा हूं तो जेडीबीसी में क्लास डॉट फोर नेम से हम करते थे ठीक है वो लोड करना तो ये नहीं है जे डीबीसी फोर पॉइंट जीरो तक तो था अभी सिक्स से नहीं है ठीक है तो आप ऐसे ही कर सकते हो ऑटोमेटिक लोड हो जाता है ठीक है इसमें आप दो चार चीजें ये देख लो जिस जेडीबीसी का कुछ यू आर एल होगा ठीक है हो एक हमारा होता है जो ऑथेंटिकेशन के साथ होता है दूसरा होता है हमारा रिमोट सर्वर के साथ तीसरा हमारा पोर्ट के साथ चौथा अच्छा ती, आ, तीसरे में दूसरे में डाटा बेस प्लस हमारा क्या है रिमोट सर्वर ठीक है तीसरे में डिफॉल्ट पोर्ट रिमोट सर्वर बोलोगे क्या बोल रहा हूँ मैं अभी जब देखोगे ना तब कन्फ्यूजन सी दिखेगी ठीक है वही बंदे क्लियर नहीं कर पाते बिल्कुल बेसिक सी चीज़ तो सबसे पहले मैं आपकी वही क्लियर करना चाहूँगा ठीक है तो इसमें आपको आगे देखोगे तो आगे से क्या आप, आपको दिख रही है एक ही चीज़ दिख रही है सब में जे डी बी सी है फिर कॉलन है फिर एस क्यूएल सर्वर है फिर कॉलन है फिर दो स्लैश हैं और उसके बाद लोकल होस्ट है और लोकल होस्ट के बाद सारी चीज़ें बदल रही हैं यही चीज़ है तो पहला आपको वो ड्राइवर है दूसरा आपका वो एस क्यू एल सर्वर है जिसकी चाहिए अभी यहाँ पर एस क्यू एल सर्वर लिखा है मैं अपने वाले मई एस क्यूएल लिखूंगा तो कैसे ही चीजें होंगी मज़ा आएगा तो चलो फिर टाइम वेस्ट नहीं करते हैं ओके गो हाँ भाई तो जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था अपने इक्लिप्स वाले बच्चों के साथ उनके ज्यादा वोट्स आए थे ठीक है तो हम आज पूरा जो एप्लीकेशन बनाएंगे पूरी डाटा बेस की कनेक्टिविटी समझेंगे पूरा इक्लिप्स के अंदर समझेंगे ठीक है और देखते हैं फिर तो सबसे पहले इक्लिप्स को ओपन कर लेते हैं तो अगर आपने हाँ मेरी तरह टिक नहीं किया होगा तो हमेशा ये विंडो आएगी लॉन्च करेंगे अपना वर्क स्पेस जो भी फोल्डर होगा जहाँ पे सब कुछ स्टोर होता है वो ओपन हो जाएगा ठीक है थोड़ा सा टाइम लेगा तो ऐसी कुछ हमारी क्लिप्स की फर्स्ट विंडो आती है राइट या फिर कुछ आपके प्रोजेक्ट्स खुले हों कंसोल आपका खुला पड़ा हो राइट तो ये सारी नीचे हो सकती हैं चीजें बहुत सारी होंगी कोई दिक्कत नहीं है हमारे को हम क्या करेंगे मैं बिल्कुल फ्रेश से शुरू कर रहा हूँ ठीक है तो मैं आपको बिल्कुल जीरो मान के कर रहा हूँ स्टार्ट करते हैं अपना फाइल न्यू जावा प्रोजेक्ट फाइल न्यू जावा प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट का नाम दोगे अब जैसे मैं दे रहा हूँ माई जे डी बी सी टूटोरियल ठीक है ओके okay. इसके बाद आपको करेंगे नेक्स्ट और फिनिश नाव अब जब आपका प्रोजेक्ट रेडी हो जाएगा तो आप ओपन करो एस आर सी जी आर ई दो फोल्डर बनेंगे ऊपर नीचे भी हो सकता है कोई दिक्कत नहीं एस आर सी में जाओ राइट क्लिक राइट क्लिक न्यू और इसके बाद आपको पहले पैकेज बनाना है पैकेज ठीक है तो माई मैं बना रहा हूँ पैकेज ठीक है माई पैकेज इसके बाद फिनिश कर दो ओके माई पैकेज पे दोबारा जाओ राइट right क्लिक करो न्यू और क्लास ठीक है ये स्टेप्स लिख लेना कोई दिक्कत नहीं है वैसे बेसिक है अब यहां पर मैं क्लास मेन बना रहा हूँ ठीक है चलो क्लास मेन पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन पर क्लिक कर लेना बाय डिफॉल्ट बना देगा ठीक है टू डू जनरेटेड या आगे टू डू ऑडो टू जनरेट अब हमारे कुछ पांच स्टेप्स होते थे ठीक है पहला आ, ड्राइवर को लोड करना मैंने बताया था याद करो ड्राइवर लोड करना है ना दूसरा कनेक्शन स्टैब्लिश करना स्टैब्लिश करना तीसरा कौन सा था मेरा स्टेटमेंट क्रिएट करना सही कह रहा हूँ ना मैं स्टेटमेंट क्रिएट एंड फोर्थ हमारा क्या था स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना एग्जीक्यूट जो हमारी क्वेरी होती थी एग्जीक्यूट क्वेरी यू मान लो क्वेरी फायर करना राइट शूं ओके ना इसके बाद हमारा दो चार पाँचवा जो भी कनेक्शन बनाया उस कनेक्शन को क्लोज करना ठीक है अभी मैंने क्या बताया आपको ड्राइवर को लोड करने की जरूरत नहीं है आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है ठीक है क्यों नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि मैंने आपको बताया सिक्स से आपका अपडेट है तो कोई दिक्कत है नहीं अभी जैसे मैं एक कोड लेके आता हूँ यहाँ से लिखा हुआ है मैंने शायद गेट कनेक्शन या ये रहा ना गेट कनेक्शन हाँ ठीक है ये उठा लेता हूँ मैं पूरा फिर मैं समझा दूंगा कोई दिक्कत वाली बात गेट कनेक्शन मैंने पूरा उठा लिया है लिखा हुआ है अब मैं टाइम वेस्ट नहीं चाहता ना समझा दूंगा दिक्कत नहीं कोई ठीक है तो अभी आप देखोगे कनेक्शन ओके कनेक्शन कनेक्शन ड्राइवर ठीक है वेर इज़ कनेक्शन ये तो हम कोड कॉपी करके ले आए थोड़ा सा कम रह गया है मेरा ये क्योंकि कनेक्शन होना चाहिए था ना हाँ तो यहाँ पर हम लिखें कनेक्शन फ्रेम हमारा इंटरफेस है ठीक है कनेक्शन या अभी कनेक्शन को मुझे करना पड़ेगा इंपोर्ट तो यहां पर जैसे हुवर करोगे तो ऐसा आ जाएगा इंपोर्ट कनेक्शन जावा डॉट एस क्यूएल से ही इंपोर्ट करना बनाने में बैठ जाना ना इंटरफेस बनाना ना कुछ नहीं बनाना हमारे सीधा कनेक्शन इंपोर्ट करना है तो बस इंपोर्ट कर दो ऊपर आ जाएगा जावा डॉट एस क्यूएल कनेक्शन ठीक है ये एसक्यूएल में मिलेगा फिर ये आपका ड्राइवर मैनेजर ड्राइवर मैनेजर पर जाओ हुवर करो क्योंकि यही मैनेजर आपको बताएगा इसको भी इंपोर्ट करना है सेम इसमें जावा डॉट एस क्यूएल से ठीक है दो चीज़ें हमारी इंपोर्ट हो गई अब इसमें हो क्या रहा है ये भी मैं बताऊंगा आपको भी थोड़ी देर में रिटर्न कनेक्शन नहीं हमारे को कोई रिटर्न करना नहीं है ठीक है लास्ट में कनेक्शन क्या होना चाहिए क्लोज भी करेंगे अभी इस कोड में क्या क्या है so डन अभी इस कोड में क्या क्या है वो समझते हैं सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है जे ये क्या है मेरा ड्राइवर माई एस क्या है कॉलन के बाद आएगा माई एस ये क्या है मेरा सर्वर जहाँ पर मेरा डेटा

प्रिंट ट्रेस के अंदर चला जाएगा ठीक है स्टैक ट्रेस के अंदर ओके okay. इसमें ये समझ गए आप ये तीन चीज़ कहाँ से मिलेगी मैं बताऊंगा आपको अभी तुमको यू समझ में आ गया यूजर नेम पासवर्ड देखो पासवर्ड जब मैंने बताया था जब मैं एसकेल सेटअप कर रहा था ठीक है वो जो तुमने खुद किया हुआ है वो वाला पासवर्ड होता है अब ये कैसे आप फेच कर सकते हो रूट बता सकता हो पोर्ट बता सकता हूँ कैसे आप निकाल सकते हो ठीक है तो आपको कुछ नहीं करना है आपको जाना है माए एस ठीक है माए एस कमांड लाइन ओपन कर लेना ठीक है

रूट एट द रेट लोकल होस्ट एट द रेट लोकल होस्ट से पहले जो भी आपका है रूट है एडमिन है वट एवर जो भी है वही आपका क्या हो जाएगा यूजर नेम वो आपको यहां रखना है यूजर नेम की जगह ठीक है इसके बाद है पासवर्ड पासवर्ड तो आपको जो आपका हो गया अब ये पोर्ट कैसे मिलेगा लोकल होस्ट पता चल गया पोर्ट कैसे मिलेगा देखो कलेक्ट एट द रेट एट द रेट दो बार एट द रेट एट द रेट पोर्ट एक बार मत करना दो बार पी ओ आर टी पोर्ट सेलन बस ठीक है थ्री थ्री जीरो सिक्स आ रहा है यस yes. अब हो गया हमारा थ्री थ्री जीरो सिक्स मिल गया आपको रूट पता चल गया ये सब है ठीक है अब मैं इसको जरा एग्जीक्यूट करता हूँ सेव करके कोड को एग्जीक्यूट कर रहे हैं फिर मैं पूरी लाइन का मतलब समझाऊंगा क्या हो तो क्या रहा है तो कह रहा है नो सूटेबल ड्राइवर फाउंड यस नो सुटेबल ड्राइवर फाउंड तो आप मैंने बोला था एक ड्राइवर लोड क्लास होती है लोड करना पड़ता है ड्राइवर पहले हमने तो लोड किया नहीं सीधा कनेक्शन इस्टेब्लिश कर दिया है ना तो हमने क्या किया है सीधा कनेक्शन इस्टेब्लिश किया है लोड नहीं किया अच्छा चलो लोड करके देख लेते हैं तो मेरे पास एक पड़ा हुआ है स्टिकी नोट्स में या जरूरत तो नहीं है इसकी क्लास डॉट फोर नेम ठीक है ये भी मैं क्या कर रहा हूँ इसी के अंदर रख दे रहा हूँ लो क्लास डॉट फोर नेम इससे होता है ठीक है सेव करोगे कोड को इसको जरा मैं सेव करो डिलेट दोबारा से रन करते हैं ठीक है सी अब क्या कह रहा है और एक जेडीबीसी ड्राइवर नॉट फाउंड बिल्ट इन क्लास लोडर देखो ऑलरेडी बिल्ट इन क्लास लोडर ये दे रहा है ठीक है ऑलरेडी लोड हो जाता है हमारे को इसकी जरूरत ही नहीं है हमारे को इसकी जरूरत नहीं तो प्रॉब्लम इस क्लास डॉट फोर नेम में तो है ही नहीं प्रॉब्लम हमारी क्लास डॉट फोर नेम में नहीं है प्रॉब्लम हमारी यही है ठीक है ड्राइवर में ड्राइवर हमारा लोड नहीं हो रहा कहा दिक्कत है तो ये ड्राइवर लोड क्यों नहीं हो रहा ये देखो दिक्कत इसलिए है आपने यहाँ क्या लिखा SRC है एस आर सी है माई पैकेज है जे आर ई है आपको कुछ और दिख रहा है यहाँ पर हो सकता है जे आर ई आपको ऊपर दिख रहा हो लेकिन इसके अलावा कुछ नहीं दिखेगा कोई रेफरेंस लाइब्रेरी दिख रहा है नहीं दिख रहा राइट right, अभी हमारे को उसकी जरूरत है सेम हमने जब सेटअप किया था वी एस कोड में तब भी मैंने बच्चों को बताया था अगर जिनको याद होगी तो हमने क्या जार फाइल को ऐड किया था ठीक है उस ड्राइवर की जरूरत है हमारे को कमी ने ड्राइवर की है ना तो वो क्या होगा आप प्रॉपर्टीज पे जाओ राइट क्लिक करना है प्रोजेक्ट पर प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज़ में हो सकता है आपका कहीं यहाँ इधर उधर खुला है आपको जाना है जावा बिल्ड पाथ पे इसके बाद आपका इधर उधर कहीं भी खुला हो सकता है आपको आना है लाइब्रेरीज पर इसके बाद आपको आना है क्लास पाथ पर जे को नहीं क्लास पाथ पर यहां आपको दिखेगा एड एक्सटर्नल जार्स सीधा मैं यहां आ गया ओके चलो थोड़ा सा वापस जाते हैं दिखाएंगे आपको कैसे मिल सकता है कुछ नहीं आपको सी पर जाना है सी के बाद करेंगे आप कहा जाओगे प्रोग्राम फाइल्स एक्स एट्टी प्रोग्राम फाइल्स एक्स एफ्टी में माई एस क्यूएल माई एस क्यूएल में पड़ा होगा कनेक्टर जे एट्टी या कोई और कनेक्टर हो सकता है ठीक है हमारे को जे फॉर जावा ठीक है तो जावा का कनेक्टर ही जावा का लोगो भी बना रहा है ऐसे पाइथन सी प्लस प्लस ये मैंने क्या बताया जब माई हाई स्कूल का सेटअप करवाया था ठीक है तो इसको आप क्लिक करोगे और बस यहाँ पर इसको ब्लू कर देना बस उसके बाद ओपन कर देना यहाँ पर आ जाएगा ठीक है इसके बाद आप क्या करोगे ओके अब यहाँ पर क्लिक कर दो अप्लाई वाले बटन पे ठीक है अप्लाई एंड अप्लाई क्लोज ओके डन अभी आपको ये डिलीट करो यहाँ से अब इस बार मैं फिर से रन करता हूँ देखते हैं कनेक्ट होता है कि नहीं ठीक है सी नेक्टेड सक्सेसफुली अगर एरर आता तो पहले हमारा रेड रेड दिया था ई प्रिंट प्रिंट्रेक्ट्रेस में आ गया था अब हमको पता कैसे चलेगा ये सच में हो रहा है कि नहीं हो रहा ठीक है कनेक्टेड सक्सेसफुली से क्या हमको लेना देना कुछ नहीं तो मैं आपको कुछ कमांड्स बताता हूं जैसे हमने क्या किया यहां पर मैं लिख रहा हूं शो डेटा बेसिस ठीक है शो डेटा बेसिस सेमीगोल ठीक है अभी इंफॉर्मेशन माई एस क्यू एल परफॉर्मेंस शिवम एस वाई एस दिख रहा है कुछ और तो नहीं दिख रहा तो ये और क्या क्या है इसके अंदर वो समझो पहले अब बात करते हैं चौथी चीज इसमें क्या है कनेक्शन कौन ड्राइवर मैनेजर ये क्या है देखो कनेक्शन आपको पता है या तो इंटरफेस हो सकता है या क्लास हो सकता है इसको होवर किया क्या लिख रहा है कनेक्शन सेशन विद अ स्पेसिफिक डाटाबेस एस क्यूएल डाटा बेस आ रहा है एक्जीक्यूटिव रिजल्ट सेक्टर सेक्ट्रा ठीक है तो इसमें लिखा है कनेक्शन ऑब्जेक्ट डाटा बेस इज एबल टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन डिस्क्राइबिंग इन इट्स टेबल्स यानी कि हम कनेक्शन का एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं ठीक है तो कनेक्शन कोई हमारी इसके अंदर क्लास हो सकती है इंटरफेस भी होगा उसका कोई तो अभी हमने क्या बनाया एक कनेक्शन का ऑब्जेक्ट बनाया ठीक है ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया इसमें हमने क्या कॉल किया वो देखो ड्राइवर मैनेजर अपने ड्राइवर मैनेजर को बुलाया अब वो ड्राइवर मैनेजर अपना गेट कनेक्शन करेगा गेट का मतलब लेना कनेक्शन कनेक्शन ले रहे हैं है ना जैसे वाईफाई -वाई का कनेक्शन लेना अपने नए सिम का कनेक्शन लेना वैसे ही सिम इसके अंदर हमारी तीन चीजें डली हुई हैं क्या यूज़ नेम और पासवर्ड तीन चीजें यू आर एल यूजर नेम और पासवर्ड ये हम कहां देख चुके? मेरा वर्कआउट होगा कि नहीं ये देखो पहले ठीक है तो इसमें मैंने किया दोबारा से एंटर लेट सी कनेक्टेड सक्सेसफुली तो पोर्ट नहीं डालते हो तब भी हो जाएगा तो जो मैं आपको समझा रहा था पोर्ट डालना है नहीं डालना वो सारी जितने भी थे काम करेगा लेकिन जैसे आप माई एस क्यूएल हटा दोगे तो यह, यह अब काम नहीं करेगा देखो दोबारा रन करते हैं क्या काम करता है कि नहीं सी एर नो सुटेबल ड्राइवर फाउंड जे डी बी सी लोकल होस्ट ठीक है क्योंकि उसकी वो पूरी लाइन है वो पूरा यू आर एल है ठीक है तभी है तो आपको माई एस क्यूएल लिखना पड़ेगा ठीक है पोर्ट आप मिस कर दोगे कोई, कोई दिक्कत नहीं है कब दिक्कत नहीं है जब आपका खुद का ऑफलाइन का सेटअप है ठीक है जब आपका ऑनलाइन है कभी है तो वहाँ पोर्ट भी डलता है ठीक है सिक्योरिटी होती है ओके okay. सेव कर दोगे कोई दिक्कत नहीं ना no. अभी ये सब आपको समझ में आ रहा है कैसे हम ट्राई से एक्सेप्शन को हैंडल कर रहे हैं ट्राई कैद से ठीक है ये हो गया कनेक्शन अब हमको कैसे पता चलेगा कि कनेक्शन हुआ है कि नहीं ठीक है तो उसके लिए मैंने आपको क्या बोला शो डेटा बेसिस में आपको यहां देखा अब हम डेटा बेस को क्रिएट करेंगे क्योंकि अभी तक हमने ड्राइवर का लोड का काम हटा दिया ठीक है कनेक्शन स्टेब्लिश कर लिया स्टेटमेंट क्रिएट नहीं करी एग्जीक्यूट नहीं करी ठीक है अभी हम कोई क्वेरी बनाते हैं उसको रन करते हैं देखते हैं ठीक है तो आपकी क्वेरी होती है वो क्वेरी मैं आपको दिखाता हूं यहां पर चलाकर पहले ठीक है तो मैं लिखूंगा क्रिएट क्रिएट डेटा बेस इस बार मैं बना रहा हूं जैसे माई डाटा बेस ठीक है माई डाटा बेस ओके सेमी कलन नाउ अब देखोगे क्वेरी ओके वन रो अफेक्टेड आ गया ठीक है अब मैं देखो शो डेटा बेसिस कर रहा हूं अब इसमें क्या इंफॉर्मेशन स्कीमा के बाद सीधा हमारा क्या आ गया माई डाटा okay. तो पड़ेगा ये सक्सेसफुली से पहले हम क्या करेंगे एक चीज बनाएंगे स्टेटमेंट स्टेटमेंट लिखेंगे ठीक है एस टी एम इक्वल टू अब जो भी हमने कनेक्शन लिया ना सीओ एन एन में जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया तो कनेक्शन डॉट ठीक है इस बार पहले हमने कनेक्शन में कुछ अभी तक किया नहीं है ना इस बार हम करेंगे स्टेटमेंट में क्रिएट करने वाले क्रिएट डालोगे तो यहां पर आ जाएगा कुछ क्रिएट स्टेटमेंट यस आ गया ठीक है ये आपको ऐसे सारे ऑप्शन आएंगे यहां पर आपको दिख रहा है क्रिएट स्टेटमेंट पहला कनेक्शन ठीक है सिंपल बस खत्म अभी क्या है आपको ये एरर देगा क्या एरर देगा आपको इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा तो इंपोर्ट स्टेटमेंट ये सब हो रही होंगे जावा डॉट एस क्यू एल स्टेटमेंट में ठीक है जावा डॉट एस क्यू एल कनेक्शन जावा डॉट एसके एल ड्राइवर मैनेजर क्योंकि हम जावा और एस क्यू एल को मिला रहे हैं ठीक है ना अभी कनेक्शन स्टेब्लिश हो गया ठीक है स्टेटमेंट भी हमारी क्रिएट हो गई ठीक है ये वाला भी काम हमारा हो गया चलो अब हमारा कौन सा काम रह गया क्वेरी को एग्जीक्यूट करने का ठीक है तो उससे पहले आपके पास क्वेरी तो होनी चाहिए तो हम क्या करेंगे जैसे मैं स्ट्रिंग में डाल रहा हूँ स्ट्रिंग क्वेरी ठीक है ये मेरी एसक्यूएल की क्वेरी हो गई इसके अंदर मैं लिख सकता हूँ क्या लिख सकता हूँ क्रिएट जो मैं वहाँ पर लिख रहा था स्टेटमेंट पूरी है ना क्रिएट और डेटाबेस डेटाबेस और मैंने लिखा इस बार टी बी ठीक है टी बी और इसमें डाल दिया सेमी कॉलन यहाँ पर बाहर ठीक है बाहर है सेमिकॉलन ये पूरा ऐसे हमारी क्या आ गई पूरी क्वेरी आ गई अब इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करना है या फायर करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा तो अब मैं क्या लिखूंगा एस टी एम करोगे बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे आप लिखोगे ई एक्सी पे जाओगे एग्जीक्यूट आ गया एग्जीक्यूट में देखोगे आप स्ट्रिंग एसक्यू एल पास करने को कह रहा है बुलियन वैल्यू रिटर्न करेगा ठीक है तो एग्जीक्यूट कर सकते तो हो अब बुलियन वैल्यू एग्जीक्यूट हो गई तो ट्रू नहीं हुई तो फॉल्स ऐसा कुछ है ये मेरी क्वेरी पास हो गई इसमें समझदार है हमारा आई डी तो ऐसे ले, ले लेगा अब ये कोई बुलियन वैल्यू ले रहा होगा अब कुछ भी लिखोगे ना बुलियन ठीक है बी एल इक्वल टू न्यू अब ये मेरे को यहां पर ले लेते मैं ठीक है हुआ कि नहीं ये अब मैं सबसे नीचे लूंगा फायर हुई है, तो क्या हो जाएगा अगर सच में बना होगा तो मेरे को वो ट्रू देगा वरना नहीं देगा तो मैं लिख रहा हूं डेटा बेस क्रिएटेड सक्सेसफुली ठीक है और ये वैल्यू कौन सी देगा मेरी ट्रू ठीक है तो प्लस में क्या कर दूंगा मैं बी एल तो बच्चे बहुत मेरे को पूछते हैं ये एग्जीक्यूट में सर डिफरेंस क्या होता है एग्जीक्यूट अपडेट लिखूंगा अभी एग्जीक्यूट क्वेरी लिखूंगा तो अभी मैं आगे चल के वो बताऊंगा एग्जीक्यूट का मतलब हो गया ना फायर करना फायर मतलब चलाना ठीक है ओके अभी मैं इसको रन करता हूँ पहले फिर देखते हैं अपने पास आएगा क्या आउटपुट ठीक है तो ये इसको भाई साहब नीचे लेके आओ थोड़ा सा या तो डाटा बेस क्रिएटेड सक्सेसफुली इसमें क्या बोल रहा है फॉल्स ओ फॉल्स बोल रहा है यानी कि कुछ गड़बड़ हुई है ठीक है तो एक बार चेक करते हैं कि सच में हमारा डेटाबेस बनाए कि नहीं तो शो डेटा बेसिस ठीक है अभी यहां पर हमारा बना है ठीक है और हमने यहां भी देखो डीवी बनाया था क्रिएट डाटा बेस कुछ और बना लो ठीक है इस बार लिखते हैं हम कोडिंग वाला देखो एक कोडिंग वाला डाटाबेस बना रहा हूं ठीक है क्रिएट डाटाबेस कोडिंग वाला सेव करा को सेव किया अब इसको दोबारा एग्जीक्यूट करते देखते हैं फिर से क्या था डेटा बेस कनेक्टेड सक्सेसफुली बट स्टिल फॉल्स अच्छा अब देखो दोबारा से चेक करते हैं शो डेटा बेसिस और इसमें देखो सबसे ऊपर ही आ रहा है तुम्हारा कोडिंग वाला तो कोडिंग वाला तो बन रहा है एग्जीक्यूट तो हो रहा है फिर ये फॉल्स क्यों दे रहा है कोई नहीं समझा पाता है अपन समझाएंगे टेंशन क्यों लेते हो ठीक है आओ आप सिंपल इस पर होवर करो थोड़ी देर रखो और इसके बाद देखो यहां पर आ जाएंगे ऑप्शन ठीक है यहाँ देखो रिटर्न में दिख रहा है रिटर्न ट्रू इफ द फर्स्ट रिजल्ट इज अ रिजल्ट सेट ऑब्जेक्ट ठीक है फॉल्स इफ इट इजन अपडेट काउंट और देयर आर नो रिजल्ट ठीक है ऐसा कुछ आएगा आपको इससे आपको क्या समझना है ये समझा देता तो मतलब ये है अब जो आपका क्रिएट हो रहा है डेटाबेस ये कोई रिटर्न नहीं कर रहा आपको कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा डेटाबेस जब क्रिएट होता है okay? तो फिर क्या है ये जब रिजल्ट कह जब मैं आपको अभी ये एसक्यूएल क्वेरी दिखाऊंगा ठीक है अलग से जब सेलेक्ट करूंगा पूरा डेटा तब तो वहां पर ये ट्रू देगा अदरवाइज ये सारी चीजें फॉल्स जब भी आपका एक कोई सेट कोई वैल्यूज रिटर्न में आ रही होगी और तो रिटर्न में वैल्यू कब आएगी जब आप डेटाबेस से लोगे फैच करोगे फैच करने के लिए आप क्या करोगे रीड करोगे रीड के लिए सिलेक्ट करोगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल टेबल नेम ठीक है तो जब वो करोगे आप तब आपको वैल्यू रिटर्न में आएगी जब रिटर्न में आएगी तब वो ट्रू देगा ठीक है अदरवाइज आप क्या लिख सकते हो सिंपल आप डिलीट कर दो यहां से भी डिलीट कर दो ज़्यादा कन्फ्यूजन होगी नहीं क्या आ जाएगा डाटा बेस क्रिएटेड सक्सेसफुली ठीक है अब देखो दोबारा सेम चीज को अगर आप रन करोगे दोबारा क्या वही डाटा बेस क्रिएट होगा नहीं होगा ठीक है क्या बोल रहा है कैन नॉट क्रिएट डाटाबेस कोडिंग वाला डाटा बेस एग्जिस्ट ठीक है डाटा बेस एग्जिस्ट तो ये एरर आ गया कि नहीं ये हमने कुछ हैंडल तो नहीं किया किया है ना कैच में ठीक है इसको अलग सुंदर तरीके से भी आप सजा सकते हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं हो तुम देख लेना ना तो अभी हमारा कोडिंग वाला नहीं बना सेम आप वहां भी भी आप माई स्केल वाले पे चला के देखोगे तो यहां भी आपका नहीं चलेगा मैं देखूंगा ना क्रिएट डेटा बेस कोडिंग वाला ठीक है यहाँ मैं करूंगा सॉरी यहां मैं करूंगा क्या बोल रहा है कैन नॉट क्रिएट डेटाबेस कोडिंग वाला डाटा बेस एग्जिस्ट समझ गए सेम चीज हमारा सेम एप्लीकेशन भी काम करके दे रहा है ओके okay. तो अभी हमारी चारों चीजें हो गई अभी मेरी क्या हो गई स्टेटमेंट क्रिएट भी हो गई ठीक है तो अभी तक मेरी ये दोनों चीजें हो गई क्रिएट हो गई क्वेरी हो गई अब कनेक्शन क्लोज करने की बारी है तो कनेक्शन क्लोज कहां करोगे सक्सेसफुली होने के बाद आप लिखो कनेक्शन वही जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया डॉट क्लोज करोगे ऑब्जेक्ट ये दे, दे देगा हमारे को रेफरेंस सेव करो कोड बस अब हमारा पूरा जो कनेक्शन स्टेब्लिश होता है जैसे जब एप्लीकेशन से बातचीत हो रही है ठीक है हमने डाटाबेस बना के खुद का देखा बट कभी भी हम डाटा बेस नहीं बनाते हैं जब एप्लीकेशन से मतलब जो वो बनाते हैं उनके लिए अलग से एक एडमिन पेज बनता है हम मोस्टली टेबल uh, के अंदर इंसर्ट कर रहे होते हैं ये सारी चीज़ें तो मैं आपको भी सब कुछ दिखा रहा हूँ इसीलिए कर रहा हूँ ठीक है तो अभी क्या रखते हैं एक क्लास अलग से बनाते हैं सेपरेट जिससे हम क्या करेंगे जिसके अंदर हम मैथड बना लेंगे जैसे गेट कनेक्शन हो गया डेटा बेस क्रिएट हो गया टेबल हो गया रीड करना डिलीट करना सबके मैथड बनाएंगे और यहाँ पर हम कॉल करते रहेंगे सिंपल रहेगा क्लीन रहेगा है ना और हमने थोड़ा सा ऊप सीखा है तो हमको पता है तो फिर चले पहले एक फटाफट से एक और क्लास बना लेते हैं कहाँ से बनाएंगे हम पे माई पैकेज में जाओ न्यू करो क्लास बनाओ क्लास कौन सी बनाओगे इस पर बनाएंगे हम hmm, क्या बताओ कौन सी वाली बनाऊँ तो मैं सोच रहा हूँ कुछ तो भी बना लो <laughs> सेटअप सेटअप डाल दें ठीक है हाँ सेटअप लगा लेते हैं ठीक है तो ये जे डी बी सी सेटअप है हाँ जे डी बी हम यहाँ पर क्लास का नाम डाल रहे हैं स्टूडेंट ये क्यों मैं क्योंकि एक स्टूडेंट क्लास का डाटा बेस बनाऊँगा सब कुछ उसी में करूंगा हर चीज़ तो यहाँ पर जाएंगे हम पब्लिक स्टडी वाइड मेन की ज़रूरत नहीं है तो बस स्टूडेंट हो गया ठीक है लो भाई फिनिश नाउ अभी ये जो मैंने मेन में किया था ना हरकतें पहली भी इसको पूरे को उठा के लाओ ठीक है कट करो यहाँ से सुसुरे को और यहाँ पर आ जाओ स्टूडेंट में और यहाँ पर हम कर देंगे इसको पेस्ट ये जितने भी हमने ये किया ना इसको इम्पोर्ट इनको भी उठा लाओ और अपने स्टूडेंट में आ जाओ यहां पर अभी मेरे को एक मेथड बनाना पड़ेगा उसके अंदर यह ट्राई कैच है तो पब्लिक अभी हमने क्या बनाया सबसे पहले डेटा बेस बनाया तो पब्लिक वाइड क्रिएट डेटा बेस सीधा वहां पर मेन मेथड में कॉल कर सकता हूं मैंने मेन को कर दिया है बिल्कुल सा क्लीन ठीक है यहां पर मेरा कुछ नहीं बचा है ओके okay, अब मेरे को यहाँ पर क्या बनाने पड़ते हैं ऑब्जेक्ट बनाने पड़ेंगे बस तो एक बार ऑब्जेक्ट बना लेता लेते क्या बना रहा हूँ स्टूडेंट ठीक है तो मैंने यहाँ पर क्या बना लिया एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बना लिया अब सारे काम मक्खन चलेंगे हमको क्या है कोई भी कुछ भी कॉल करना जैसे क्रिएट डेटा है तो डेटा कॉल हो जाएगा एस डॉट में क्रिएट टेबल बनाना चाहता हूँ तो क्रिएट मैंने किया क्रिएट तो देखो अब वहाँ पर कभी क्रिएट टेबल बना ही नहीं है तो क्या करेगा ये होवर में दे रहा है ठीक है तो क्रिएट मैथड क्रिएट टेबल इन टाइप स्टूडेंट यस हम जाएंगे यहाँ पर लो भाई ये बन गया ठीक है अपने आप बन गया ये होते हैं आई के कमाल ओके okay? तो यहाँ पर आ गया हमारा स्टूडेंट बन गया ओके okay. चलो फिर तो अभी मेरे को डाटा बेस बनाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है अब मुझे टेबल बनानी है तो टेबल बनाने के लिए मेरे को थोड़ा सा चेंज आएगा ये वाला पूरा कोड कॉपी कर लो क्योंकि वही इस्टेब्लिश करना है इस बार डाटा बेस की जगह जो क्वेरीफायर कर रहे थे हम कौन सी करेंगे टेबल को क्रिएट करने की तो वो मैंने आपको बताया क्रिएट टेबल वाली बट यहाँ पर आपका एक थोड़ा सा चेंज आएगा यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा जो आपने ये डाटा बेस बनाया है कोडिंग वाला ठीक है यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा यू में ठीक है पोर्ट के बाद फ्लैश के बाद ओके okay. एक तरीका ये है एक और तरीका है वो भी मैं बताऊंगा आपको जैसे मैंने कर दिया स्ट्रिंग स्ट्रिंग डीबी जो डेटा बेस नेम है ना कोडिंग वाला ना मैंने अभी एक क्या बना लिया डीबी बना लिया स्ट्रिंग अब मैं यहाँ कर सकता हूँ यू इसमें प्लस कर दूंगा डी बी पर हो जाएगा तो फिर मेरे को ये यहाँ लिखने की जरूरत नहीं पड़ी अब तुम्हें पता ना कनकेडिनेशन होती है स्ट्रिंग्स तो वो वाला हिसाब करूँ तो फिलहाल तो मैं ऐसे यूआरएल में चेंज किया है तो यहाँ से लेके रख रहा हूँ ठीक है अभी मैंने ऐसा कुछ यूज़ किया ही नहीं जो मेरी ये क्वेरी है ना क्रिएट डेटा बेस वाली मैं ये क्वेरी चेंज कर दूंगा और तो डेटा बेस की बजाय मैं क्या बना रहा हूँ टेबल ठीक है तो टेबल क्रिएटेड टेबल क्रिएटेड सक्सेसफुली अब मुझे वो क्वेरी लिखनी है तो अब मेरे को टेबल क्रिएट करने की क्वेरी क्या होती है क्रिएट टेबल इसके बाद क्या होता है टेबल का नाम है ना तो मैं बना रहा हूँ स्टूडेंट तो मैंने बना दिया स्टूडेंट्स क्लास ये स्टूडेंट लग रहे थे ठीक है स्टूडेंट क्लास बनाई हो तो स्टूडेंट की मैंने क्या बना दी एक टेबल बना रहा हूँ क्रिएट टेबल स्टूडेंट इसमें मैं तीन चीज़ें ले लेता ले हूँ एक तो मैं ले लेता हूँ रोल नंबर तो पहला मेरा क्या हो जाएगा आ, ऐसे बनाएंगे स्टूडेंट के बाद बनाएंगे ब्रैकेट ठीक है ब्रैकेट ओपन और क्लोज ये वाला इसके अंदर मैं वैल्यूज़ को रखने वाला हूँ तो इसको एक बार इसको यहाँ से क्लोज करो अब तुम्हारे को दिख रहा है ठीक है तो यहाँ मैं क्या रखूँगा रोल नंबर ठीक है या स्टूडेंट की आई होती है एस आई करके ले लो एस आई वही रोल नंबर हो गया ना ये इंट टाइप की हो गई साइज दे दो इसमें साइज मेरा थ्री हो गया ओके इसके बाद सेकंड मेरा क्या हो जाएगा एक नाम हो जाएगा स्टूडेंट का एस नेम ओके ये मेरा क्या होगा वेरिएबल केयर वेर केयर होता है स्ट्रिंग जैसे स्ट्रिंग टाइप होता है इसमें क्या होता है हमारा एस uh, के में वेर केयर वेर केयर टू हंड्रेड लो टू साइज हो गया ठीक है सेम स्टूडेंट का नाम हो गया आई हो गया और क्या हो सकते हैं उसके मार्क्स हो सकते हैं या उसकी ई मेल हो सकती है तो एक ई मेल और ले लेते एस ई ठीक है एस ई में क्या डालेंगे वही वेर केयर हो गई ये भी वेर केयर और इसमें भी 200 हंड्रेड कैरेक्टर्स ओके नाउ डन ठीक है तो ये मेरी क्रिएट टेबल की एक पूरी मेरी क्या बन गई क्वेरी बन गई हो सकता है कुछ क्वेरी में गड़बड़ होगी तो वो कब पता चल जाएगा अभी पता चल जाएगा ठीक है अभी इसको सेव करके कोड इसको रन करते हैं ठीक है यहाँ पे गए क्रिएट टेबल और इसको मैंने कर दिया रन टेबल क्रिएटेड सक्सेसफुली आया चलो हम देखते हैं अपने एस में हमारी डाटा में टेबल बनी है कि नहीं तो मैं क्या पहले यूज करूंगा डेटाबेस में दाऊंगा यूज डेटाबेस लिखूंगा मेरा क्या था कोडिंग वाला कोडिंग वाला ओके यूज कोडिंग वाला ठीक है सॉरी सेमी कॉलम डालना डाटा बेस चेंज गया अब इसके अंदर मैं करूंगा शो टेबल्स ओके स्टूडेंट टेबल बन गई मेरी अब स्टूडेंट में क्या क्या है ये देखना चाहोगे तो आपको लिखना है डीएससी डिस्क्राइब डी एस सी स्टूडेंट ठीक है और सेमी बस अब आपको तीन चीजें दिख रही है एस आई डी एस नेम एस ई इंट वेर कैर वेर कैर ठीक है नल नल यस यस ऐसे दिख रहा है की नहीं है इसमें आप प्राइमरी की भी सेट कर सकते थे तो पूरा जब एस के लोगों तब पढ़ा दूंगा या अगला जो मैं एक पूरा क्रड एप्लीकेशन बनाऊंगा उसमें बनाऊंगा ठीक है अभी मेरे टेबल क्रिएट हो गई ठीक है चलो फिर ये मेरा काम हो गया मैंने टेबल क्रिएट करना सीख ली अपने एप्लीकेशन से लेकिन ना मैं डेटाबेस क्रिएट करता हूँ ना कभी मैं टेबल क्रिएट करता हूँ मैं हमेशा क्रड ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ क्रड क्रड में क्या पहला मेरा होता है क्रिएट डेटा ठीक है क्रिएट डेटा तो इसका मतलब ये नहीं होता टेबल हम बना रहे हैं या डाटा बेस हम बना रहे हैं ऑलरेडी जो टेबल बनी हुई है उसके अंदर हम डाटा इंसर्ट कर रहे हैं तो उसके लिए मैं क्या करूंगा मैं लिख रहा हूं यहां पर क्रिएट डेटा ओके लो भाई अभी क्रिएट डेटा तो मेरा कोई वहां पर मेथड नहीं है ठीक है हम इससे हेल्प लेंगे यहां पर जाओ होवर करो ये बोल देगा क्रिएट ओके लो भाई इसने आके यहां पर क्रिएट कर दिया लेट्स क्लोज दिस पर मेरा क्रिएट हो जाएगा क्रिएट में क्या मेरे को वही सारे अच्छा देखो ये कोडिंग वाला चला था इस बार ठीक है अब की बार मैं अलग से करूंगा ये ट्राई कैच मेरे को पूरा चाहिए चाहिए है ना पूरा मेरे को मेथड चाहिए कोई दिक्कत है यार नहीं अब इसको मैं कॉपी करके क्लोज कर दूंगा ठीक है इसमें आए पेस्ट कर दो अब मैं यहाँ पर कोडिंग वाला नहीं डाल रहा हूँ ठीक है ये कोडिंग वाला मैंने डिलीट कर दिया अब ये डी बी रख रहा हूं और यहाँ पर मैं यू आर एल में ठीक है URL में क्या करने जा रहा हूं अब बताओ जल्दी से प्लस डीबी कनगैटिनेशन डीबी ओके okay, देख लो कुछ ऐसा दिखेगा आप ठीक है ना सेव कर दो कोड को इस बार मेरे को क्वेरी ये नहीं करनी है ठीक है शिफ्ट एंड डिलीट ओके अब मेरे को क्वेरी कौन सी चाहिए यहां पर चाहिए इंसर्ट करने वाली ठीक है तो मैंने इंसर्ट वाली क्वेरी आपको बताई दी इंसर्ट इन स्टूडेंट इसके बाद क्या आएगा ब्रैकेट में मेरे या तो अपना कॉलम नेम रखो या सिर्फ वैल्यूज डाल सकते हो तो इनटू वैल्यूज भी कर सकता था वैल्यूज और यहाँ पर वन मेरा क्या हो गई जो उसका एस आई डी रोल नंबर इंटीजर टाइप थी ठीक है अब मेरा नेम है तो नेम के लिए अब सिंगल कोट्स लेना नेम ठीक है मैं लिख रहा हूँ शिवम ठीक है कॉमा और यहाँ पर मेरी ई मेल है तो शिवम द रेट जी मेल डॉट कॉम सिंगल कोट्स क्योंकि डबल कोट ऑलरेडी बाहर है है ना बाहर भी हम डबल कोड यूज कर रहे हैं तो उसके पहले हमको सिंगल कोड यूज करना पड़ेगा ओके सेव करो अभी यहाँ पर देखो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट भी काम करेगी और भी मैं आपको दिखाता हूं ठीक है क्रिएट सक्सेसफुली में देखते हैं डेटा क्रिएटेड या इंसर्टेड सक्सेसफुली है ना इंसर्टेड सक्सेसफुली ये लिख सकते हो आप कोई दिक्कत नहीं अच्छा क्रिएट हो गया इसको वापस जाते हैं और सेव करके एक बार इसको रन करो पता चलेगा हमारी क्या हमने वो सही लिखी क्या कि नहीं वरना वो एरर देगा यू हैव एन एरर इन योर चेक मैनुअल दैट समथिंग समथिंग ओके शायद ये चल नहीं रही है इसमें ऐसा नहीं है दिक्कत है हमने वो कॉलम नेम नहीं लिखे कॉलम नेम भी लिख लो भाई एस आई डी एस नेम कॉमा एस ई मेल ठीक है ये लो वैल्यूज कर रहा हूं अभी मैं फिर से इसको रन करता हूँ इसको कट किया लेट इसको कट किया मेन पे गए रन करते हैं सेव हमने कर दिया डोंट वरी ठीक है फिर से वही है वही एरर सेम टू सेम क्यों क्यों हमारी ऐसी बात नहीं है ये क्वेरी सही नहीं क्वेरी सही है बट कहीं ना कहीं ये अंदर गड़बड़ कर रही है ठीक है तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पूरी क्वेरी नहीं लिखेंगे एग्जीक्यूट नहीं करेंगे अब हम प्रिपेयर स्टेटमेंट बनाने जा रहे हैं पहली बार वो कैसे होती है वो मैं आपको बता दूँ तो स्टेटमेंट की जगह आप, आप लिखो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट ये भी आपका एक अलग और इंटरफेस है ठीक है प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट और फिर इंपोर्ट कर लो ठीक है और यहाँ पर भी यही प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट लिख लेना कनेक्शन के साथ प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट और यहाँ पर हम लिख देंगे पी एस टी एम देना यहाँ पर प्रिपेयर्ड नहीं है ठीक है प्रिपेयर्ड में एरर देगा प्रिपेयर करना पड़ेगा ठीक है कनेक्शन के अंदर है एक्चुअली प्रिपेयर जो हमारा मेथड है ठीक है और ये प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट हमारा इंटरफेस है ठीक है एस आई डी एस नेम एस ई मेल ओके अभी यहां पर ये जो वन टू थ्री ये जो हमने वैल्यूज डाली है ऐसे हम नहीं डालेंगे ये गंदी चीज हो जाएंगी हम क्या करेंगे क्वेश्चन मार्क कॉमा क्वेश्चन मार्क कॉमा क्वेश्चन मार्क ठीक है तीन क्वेश्चन मार्क डाल दिए एस आई डी एस ई मेल एस नेम अब हम क्या करेंगे यहां पी एस टी एम पर आएंगे एग्जीक्यूट हम जो करेंगे एग्जीक्यूट से हम ये क्वेरी हटा देंगे अभी इसके अंदर हम क्या लिखेंगे देखो अभी मेरी प्रिपेयर स्टेटमेंट होगी मेरे को कोई वैल्यूज है वैल्यूज की जगह मैंने क्या लिखा है क्वेश्चन मार्क इसकी जगह मैं अब वैल्यूज डाल सकता हूं क्योंकि मेरे को यूजर से इनपुट लेना है या कुछ भी करना है वट तो मैं यहां पर रख सकता हूँ वो कैसे रख सकता हूँ पी एस टी एम डॉट ठीक है प्रिपेयर स्टेटमेंट जो मैंने बनाई है ना इसके अल्प से पी एस टी एम डॉट अब मैं लिखूं सेट गेट का मतलब लेना सेट का मतलब उस जगह वैल्यू सेट कर देना ठीक है तो क्वेश्चन मार्क वाली जगह पे ये वैल्यू सेट कर देगा क्वेश्चन मार्क कहाँ है यहाँ तो पहला दूसरा तीसरा तीन क्वेश्चन मार्क है ऐसे ही सेम डालो प्रिपेयर सेट अब आपको डालने पहली अगर वैल्यू कौन सी थी इंट तो आपको इंट टाइप की करनी पड़ेगी सेट इंट बस अब पहला आपका होगा इंडेक्स कौन कौन सा सा इंडेक्स 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 है है ये अब पहली है इसका इंडेक्स. कौन सा इंडेक्स भाई ये क्वेश्चन मार्क पहला है दूसरा है तीसरा है तो हम डाल सकते हैं पहला क्वेश्चन मार्क है. पहले क्वेश्चन मार्क पर कौन सी हमारी आईडी होनी चाहिए तो हमने बोला टेन होनी चाहिए ठीक है इसका रोल नंबर है टेन पी एस टी एम डॉट अब दूसरी टाइप की वैल्यू क्या है नेम और ई हमारी क्या है स्ट्रिंग टाइप की तो सेट इंटीजर ऐसे बिल्कुल ये ऐसा नहीं हो गया स्कैन uh, वाले से करते थे ना एस सी डॉट इंट नेक्स्ट लाइन है ना नेक्स्ट कैरेट ये वाला बिल्कुल वैसा ही हो गया ठीक है तो सेट स्ट्रिंग करूंगा यहां पर सेट स्ट्रिंग और इसमें क्या डालूंगा मैं फिर से अब मेरा दूसरा क्वेश्चन मार्क है दूसरे क्वेश्चन मार्क पर मेरा क्या था नेम तो मैं यहां लिख दूंगा नेम ठीक है और नेम ओके सॉरी यहां पर लिख सकते हैं हम शिवम ठीक है लो अभी तीसरी भी मेरी क्या थी यही थी स्ट्रिंग टाइप की इधर आ जाओ कॉपी कर लेते हैं हम इसको ठीक है शिवम की जगह इस बार हमारा क्या हो जाएगा शिवम ऐट द रेट जी मेल डॉट कॉम कर देते ऐट द रेट जी मेल डॉट कॉम ठीक है एग्जीक्यूट हो गया एग्जीक्यूट के अंदर की क्वेरी हमने हटा दी है डेटा इंसटेड अच्छा देखते हैं अब एग्जीक्यूट चलता है कि नहीं ठीक है मुझे भी नहीं पता मान के चल लो ओके तो मैंने आज पहली बार ट्राई करने जा रहा हूँ ये रन फुल उड़ा दिया है मैंने कोड देखते हैं एरर कि नहीं एरर आ गया क्या एरर आ गया देखो नो वैल्यू स्पेसिफाइड फॉर पैरामीटर थ्री अरे यार जल्दबाजी में इंसान हूं गलती होती है पैरामीटर थ्री ये देखो वन टू थ्री थर्ड वाला डालो ना भाई सब चाहिए इसको ठीक है तब ये भगेगा यहां से ओके चलो अब फायर कर देख अभी भी कुछ रहा है कह रहे हैं अनोन कॉलम ई मेल इन फील्ड लिस्ट ओके ई मेल नहीं है करेक्ट ई मेल का है ईमेल का है वो तो हमारा एस ईमेल है देखो डिस्क्राइब किया था ना एस ईमेल ये भी ये सब गलतियां हैं ये जो तुम भी करोगे मैं भी करूंगा इसीलिए मैं रियल टाइम पे करता हूँ बिल्कुल है ना और जो तुम करना चाहो उससे पहले मैं खुद ही कर देता हूँ लो डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली बिल्कुल सक्सेसफुली हुआ है ठीक है तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पर है। तो चलो देखते हैं कहाँ पर इंसर्ट हुआ आपको अब क्या करना पड़ेगा यहाँ पर देखने के लिए ये बताओ मेरे को लिखनी पड़ेगी वो कमेंट रीड करने के लिए सिलेक्ट स्टार फ्रॉम और मेरे को क्या है स्टूडेंट ना फ्रॉम स्टूडेंट बस सेमी कॉलन लो टेन शिवम शिवम एट द रेट जी मेल डॉट कॉम हो गई कि नहीं होगी देखो ये थी एस क्यू एल मेरी क्वेरी चल गई अच्छा इसकी जगह कई बंदे लिख देंगे एग्जीक्यूट अपडेट कोई दिक्कत नहीं है एग्जीक्यूट अपडेट करो और देखो अब शिवम की जगह टेन की जगह मैं कर दे रहा हूँ इलेवन शिवम की जगह कर दे रहा हूँ मैं अब ये मेरा दूसरा बंदा है दूसरे बंदे का डेटा इस बार मैं एग्जीक्यूट अपडेट कर रहा हूँ ठीक है सेव किया कोड को मेन पे जाते हैं इसको रन कर देते हैं ठीक है लेट्स सी डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली पिछली बार क्या किया इस बार क्या किया समझ में आ रहा है ना अब दोबारा जाओ ठीक है यहां पर करो देखो दो बंदों का डेटा स्टोर हो गया हुआ कि नहीं एग्जीक्यूट करने पर भी हो रहा है एग्जीक्यूट अपडेट करने पर भी हो रहा काम तो होता है अच्छा अब एक चीज है एग्जीक्यूट क्वेरी भी डालते बंदे क्वेरी ठीक है एग्जीक्यूट क्वेरी इसमें करते हैं और इस बार एक और ले, ले लेते हैं बूम बूम और बूम ऐट द रेट जी मेल डॉट कॉम ठीक है बूम ऐट द रेट जी मेल डॉट कॉम दोबारा जाते हैं रन करते हैं इस बार देखते हैं क्या होता है ठीक है इस बार इसने क्या एरर दे दिया कैन नॉट इश्यू स्टेटमेंट दैट डू नॉट प्रोड्यूस रिजल्ट सेट ठीक है मतलब क्या है? जो भी वैल्यू मेरे को वापस देगी जो भी क्वेरी ठीक है वही एग्जीक्यूट क्वेरी हो सकती है अदरवाइज कुछ नहीं हो सकती ठीक है तो वो करके देखेंगे अभी तो यहाँ पर हमारी दोनों वर्कआउट होगी एग्जीक्यूट अपडेट एग्जीक्यूट कौन सी हमारी सिर्फ एक्जीक्यूट सिंपल एग्जीक्यूट तो सब जगह चलती ही चलती है ठीक है अभी हमने ये तीनों चीजें देख ली एग्जीक्यूट देख ली एक्ट अपडेट देख ली एक्ट क्वेरी देख ली है ना तो क्वेरी मेरी इसके लिए तो चली नहीं है अभी एक बार क्वेरी किसके लिए चलती है वो मैं आपको दिखा देता हूँ तो एग्जीक्यूट सबके लिए चलती है वैसे तो ठीक है अभी मैं आपको दिखाता हूँ अब ये मेरा हो गया क्रिएट हो रहा है ठीक है दो चीज़ें हमने तीन डेटा क्रिएट करके देखे अब मैं चाहता हूँ जो सिलेक्ट स्टार कर रहा था ना फ्रॉम टेबल टेबल वहां पर जाके मैं चाहता हूँ यहीं पे रीड करूँ ठीक है तो मैं वही यहाँ जाता हूँ दोबारा से ये बना देगा ना मेरे लिए इसको कर देता हूँ कमेंट अब मेरे को रीड करना है एस टी डॉट रीड है ना रीड डेटा ओके लो भाई अभी मेरे को ये बोल रहा है चलो बनाओ उसको लो भाई बना दिया ठीक है हमारा आईडी ने बना दिया कोई दिक्कत नहीं इसको कर देते हैं थोड़ा छोटा क्रिएट जो डेटा हो रहा था मेरा ये पूरा उठा के लाओ ट्राई कैच से देखो कॉपी किया यहाँ रखते हैं वाइड मेन में पेस्ट और इसको छोटा कर देते हैं ठीक है लो अब रीड डेटा का, का काम शुरू वही डाटा बेस है वही कोडिंग वाला सब कुछ वही है अब इंसर्ट इसकी जगह मेरी क्या हो जाएगी स्टेटमेंट मेरी चेंज हो जाएगी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल ठीक है फ्रॉम स्टूडेंट ठीक है स्टूडेंट सिर्फ ओके okay, अब ये मेरी सिर्फ स्टेटमेंट है तो अब मेरे को क्या प्रिपेयर स्टेटमेंट की जरूरत है नहीं मेरे को सिर्फ स्टेटमेंट की जरूरत है एस टी एम ठीक है और मैं यहां पर प्रिपेयर स्टेटमेंट नहीं करूंगा क्रिएट स्टेटमेंट ठीक है क्वेरी लिखने की मेरे को भी यहां पर जरूरत है नहीं ओके okay? नाउ ये सब मैं उड़ा सकता हूं इसके बाद मेरे लास्ट में ये है पी की जगह एस टी एम ओके अब एग्जीक्यूट में मैं क्वेरी वो पास करूंगा ठीक है जो मेरे को एग्जीक्यूट करनी है क्वेरी ओके okay. इसकी जगह अब मेरा क्या हो जाएगा मेरा हो जाएगा रीड सक्सेसफुली है ना रीड सक्सेसफुली अच्छा देखते हैं अभी भी ये क्या देता है क्या नहीं है जो भी मैं देखना चाहता हूँ ठीक है तुम्हारे को भी दिखाना चाहता हूँ तो अभी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट से सब कुछ आ रहा था ना मेरा अब देखो यहाँ पर मैंने किया एंटर करते हैं क्या दे रहा है ये ओके okay, कुछ दे रहा है ठीक है चलो सेट सेव नहीं हुआ शायद ओके okay, रीड है रीड सक्सेसफुली रीड तो आ रहा है डेटा तो कहाँ है डेटा तो नहीं दिख रहा हाँ अब उसके लिए थोड़े से कुछ स्टेप करने पड़ेंगे आपको थोड़ी सी मेहनत तो अब उसके लिए थोड़ी सी मेहनत करते हैं एग्जीक्यूट क्वेरी करी हमने ठीक है क्वेरी चल जाएगी क्वेरी चल गई तो बता देगा क्वेरी चलने के बाद कोई दिक्कत नहीं आई तो रीड सक्सेसफुली दे रहा है बट मेरे को एक्चुअल में डेटा चाहिए तो डेटा चाहिए, तो चाहिए तो उसके लिए गेट करना पड़ेगा जैसे सेटर गेटर होते थे ना गेटर सेटर ऊप से बढ़ाए थे वैसे यहां पर आप क्या करना पड़ेगा गेट करना पड़ेगा वो कैसे करना पड़ेगा वो बताता तो इस बार हम एग्जीक्यूट क्वेरी नहीं करेंगे तो इस बार हम एग्जीक्यूट सिंपल नहीं करेंगे इस बार हम करेंगे एग्जीक्यूट क्वेरी ठीक है स्टेटमेंट और ये हमारे को क्या देगा जो हमने पिछली बार देखा ये रिजल्ट सेट देता है रिजल्ट सेट है ना सॉरी रिजल्ट सेट इंटरफेस आर एस इक्वल टू एस टी एम ठीक है अब ये रिजल्ट सेट को मुझे कॉम डॉट माई एस क्यूएल सीजे प्रोटोकॉल आ रहा है ये नहीं करना ढूंढते रहोगे कुछ दिखेगा कुछ नहीं दिखेगा आई डोंट नो क्यों नहीं दिख रहा है यहाँ पर ठीक है अगर ना दिखे तो क्रिएट व्रिएट मत कर देना आप कर देना जावा डॉट चेंज टू रिजल्ट सेट ओके हमने कुछ किया है गलत ठीक है अभी हो गया ऊपर आ जाएगा जावा डॉट एस क्यूएल डॉट रिजल्ट सेट ठीक है ये वाला एस क्यूएल वाला देखना ओके okay. तो रिजल्ट सेट हो गया मेरा अभी क्वेरी मेरी कुछ रिजल्ट दे रही है क्योंकि वो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम क्या देगी कुछ डेटा देगी हमारे को रीड करके राइट तो इस बार ये एग्जीक्यूट क्वेरी होगी और मेरे को कुछ रिजल्ट सेट देगी अब मैं इसको कैसे ले सकता हूँ अब मैं यहाँ लिखूंगा आर एस देखो आर एस में कुछ आएगा रीड सक्सेसफुली प्लस आर एस मुझे तो नहीं लगता है देखते हैं प्लस आर एस मेन जावा इसको अब करते रहें और देखते हैं कुछ आता है आ रहा है इसमें क्या आ रहा है रीड सक्सेसफुली कॉम माई एस केल जे डी बी सी रिजल्ट सेट लेकिन कुछ यहाँ वैल्यू है लेकिन हमको दिख नहीं रही है ओके okay. अब ये हमारे को इसलिए नहीं दिख रही है क्योंकि इसके काम की नहीं है ठीक है अब मैं आपको इसके काम की दिखा दूँ हमारे को क्यों नहीं दिख रही है क्योंकि ये इसके काम की नहीं ठीक है अब इसके काम की दिखा दूँ तो आपको क्या करना है ये आर एस यहाँ पर नहीं है प्रिंट करने के लिए अब हम ऐसे करेंगे वाइल आर एस डॉट नेक्स्ट ऐसे समझना है ये बिल्कुल ना लूप की तरह ही आ जाएगा आर एस डॉट नेक्स्ट आर एस में आर एस एक पूरी रिजल्ट सेट है सेट का मतलब जैसे मैंने कलेक्शन फ्रेमवर्क में पढ़ाया था ना रिजल्ट सेट तो ये पूरा सेट है सेट के अंदर कुछ वैल्यूज पड़ी हुई है वो निकालेंगे हम आर एस डॉट नेक्स्ट जब तक है ट्रू यानी कि जब तक तो उसके अंदर वैल्यू है तब तक ये ट्रू रहेगा ठीक है तो सारी वैल्यू को हम एक एक करके निकाल लेंगे देखो अब कैसे निकालेंगे एस आउट कंट्रोल स्पेस नाउ अभी मेरे को क्या लिखना है सी मेरे को लिखना है आई डी ठीक है जो भी मेरा रोल नंबर था बच्चे का आई डी थी प्लस जो मेरी आर एस है आर एस डॉट गेट आर एस डॉट गेट अभी गेट के बाद करूंगा मैं गेट गेट और गेट के बाद मैं कर दूंगा इंट क्योंकि पहली मेरी क्या थी आई डी इंटीजर टाइप इंट फर्स्ट है ना फर्स्ट वाली थी सेम अब इस लाइन को मैं कॉपी करके पेस्ट कर देता हूं तीन बार क्योंकि तीन चीजें चाहिए थी मेरे को पहला आई डी दूसरा नेम याद करो प्रिपेयर स्टेटमेंट में हमने सेट की थी इस बार हम गेट कर रहे हैं ठीक है ना नेम आई डी ईमेल है ना ई मेल अब हम क्या करेंगे देखो सबका एक फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम ऐसे था तो ठीक है सेकेंड पे नेम था थर्ड पे हमारा क्या था कॉलम तो हमने तीनों वैल्यूज ऐसे डाल दी ओके अब इसको मैं जरा रन करता हूँ ठीक है तो देखते हैं क्या आउटपुट आएगा अच्छी है रहा है कैन नॉट डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ टाइप स्ट्रिंग शिवम ठीक है एरर दे दिया अरे वही चीज़ यार फिर से यही गलती है ना अभी ये मैं गलतियां इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तुम भी यही करोगे गलती से इंट को बदलना ही भूल जाओगे कॉपी कर दिए तो सब कॉपी करोगे तो यहां पर वो टाइप की कैसी वैल्यू है स्ट्रिंग टाइप की फिर तुम सर मारोगे इसलिए मैं पहले ही सर मार के को दिखा दे रहा ठीक है अब गेट स्ट्रिंग ये भी इंटीजर टाइप की नहीं है स्ट्रिंग क्योंकि वो टाइप मिसमैच हो रहा है टाइप भी आपका सेम होना चाहिए इसलिए आपको पता होना चाहिए टेबल में क्या कॉलम्स है क्या उसकी प्रॉपर्टीज है तो डिस्क्राइब करके हमेशा देखना ओके नाउ लेट्स अगेन रन करता हूं मैं इसको हमारा आउटपुट आ गया आई डी टेन नेम शिवम ई मेल ठीक है सेकेंड बच्चे का इलेवन सचिन सचिन एट द रेट सक्सेसफुल रीड सक्सेसफुल अच्छा एक बार क्या कर लेते हैं इसको दोबारा से जाते हैं मेन ठीक है और हम दोबारा से क्या करेंगे इस बार फिर से रीड ना करते हुए क्रिएट करते हैं फिर से क्रिएट और एक और नए बच्चे का डेटा एक और क्रिएट कर लेते हैं तो इससे पता चल जाएगा क्या बढ़ रहा है वो ठीक है तो इसमें हम क्या कर रहे थे अभी हमारा बूम है ठीक है अभी बूम वाले बच्चे को हम करवाएंगे इंसर्ट ठीक है तो अभी हमारा बूम वाला बच्चा इसमें ऐड होगा क्रिएट डेटा सेव किया लेट्स रन द एप्लीकेशन अगेन जी डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली अब क्या करते हैं इसको कमेंट करो ठीक है इसको दोबारा से कॉल कर लेते हैं रीड वाले को देखते हैं क्या अब हमारे को तीन बच्चे का डेटा दिखेगा नो लेट्स सी हमारे को देखो पहले बच्चे का नाम आ गया टेन शिवम इलेवन सचिन आ गया अच्छा इलेवन बूम आ गया ठीक है अब देखो एस आई डी हमारी क्या हो सकती है हम प्राइमरी की रख दो यूनिक रख दो क्योंकि हम नहीं चाहते मिस मैच हो जाए है ना अब मेरी ये आई क्या हो गई दो बच्चों की आई सेम होगी ना इलेवन भी हो गई यहाँ भी इलेवन गई दो बच्चों का रोल नंबर सेम हो सकता है नहीं अब इसके लिए मैंने गलती कर दी दैट मीन्स अब मेरे को अपडेट करने की जरूरत है रीड करने की नहीं मुझे किसकी जरूरत है अब बनाते हैं एस टी डॉट अपडेट डेटा ठीक है अपडेट डेटा मैथड बनाते हैं यहाँ पर ठीक है ये क्या कर रहा है चेंज क्रिएट या हम क्रिएट करना चाहते हैं लो हमारा अपडेट डेटा देट बन गया और इसको क्लोज कर दो लो ठीक है अभी अपडेट के लिए हमारे को कौन सी क्वेरी पता होनी चाहिए अपडेट क्वेरी बताओ जल्दी से कमेंट में अगर किसी को बताए दो ठीक है सेम हमारे को सेम चीज़ें वही आएंगी लेकिन इस बार फिर से हमारे को प्रिपेयर स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी तो हम अपनी दोबारा से लेके आते हैं कौन सी क्रिएट डेटा ठीक है <coughs> तो हम दोबारा से ये वाला ले आते हैं जिससे हमने क्रिएट किया था क्योंकि हमको पता है जो वैल्यू हमारे को करनी है उसी कॉलम पर हम जाके अपडेट कर देंगे तो भाई तो इसको ही ले आए हम ठीक है अभी क्या करेंगे देखो हमको इंसर्ट की जगह आपको करना है अपडेट ठीक है अपडेट स्टूडेंट ठीक है और यहां पर अब आ जाएगा आपका ऐसे set, अब आपको जैसे एस आई डी चेंज करनी है ठीक है तो एस आई डी इक्वल टू एस आई डी जो भी आपको रखनी है पहला क्वेश्चन मार्क ठीक है फिर उसके बाद किस जगह रखनी है तो वेयर ठीक है वेयर अब मैं क्या डालूंगा जो भी मेरे को नाम हो ठीक है तो वेयर नेम इक्वल टू मेरा जो भी आ रहा हो नेम इक्वल टू क्वेश्चन मार्क दो क्वेश्चन मार्क आगे एस आई डी ओ ने पहला मेरे को यहां पर इलेवन की जगह 12 सेट करना है जहां मेरे बच्चे का नाम क्या हो बूम ठीक है डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली सेव किया वापस जाते हैं सेव किया रन करते हैं अगेन कह क्या है अननोन कॉलम नेम वेयर क्लोज अरे नेम तो है ही नहीं ना एस नेम सॉरी ना एस नेम ठीक है सेव किया लेट्स रन अगेन सी डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली अब इससे आप क्या देखोग कहाँ पता चलेगा हमारे को सेम वहीं जाते हैं डेटा के अंदर यहाँ पर आते हैं और इसको करते हैं सी टेन इलेवन ट्वेल्व बूम हो गया अपडेट हुआ रीड भी किया हमने ठीक है और यहाँ पर भी करना चाहोगे सेम इसको यहाँ सेम इसको यहाँ पर कमेंट कर दो और इसको रीड कर लेते हैं ठीक है रीड डेटा दोबारा यहाँ जाओ लेट्स रन अगेन अब दो बच्चे तीन बच्चों का नाम आना चाहिए देखो ट्वेल्व पे आई पे बूम आ रहा है इलेवन आ रहा है टेन आ रहा है है ना थोड़ा सा ऊपर कर तो तीनों बच्चों का हमारा डेटा आ गया है ना टेन वाले का शिवम इलेवन सचिन ट्वेल्व बूम करके राइट लेट्स क्लोज दिस ओके सो नाउ करड में हमने क्या देख लिया क्रिएट करना देख लिया रीड करना देख लिया अपडेट करना देख लिया अब क्या एक असाइनमेंट मैं तुम्हारे लिए दे सकता हूँ क्या करना डिलीट करना आपको क्या करना है एस डॉट क्या लिखोगे आप डिलीट डेटा है ना डिलीट और डेटा बस इसको डिलीट करना है इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करना है एग्जीक्यूट करो एग्जीक्यूट अपडेट करो एग्जीक्यूट क्वेरी करो तीनों करके देखो तीनों में फिर आपको समझ में आएगा है ना तो ये मैंने क्या किया इसको कर देंगे क्रिएट मेथड डिलीट है ना तो ये ऑटो जनरेटेड हो गया इसमें वही सेम आपको कोड कॉपी करके हाना है ये क्वेरी चेंज करनी है लेकिन किस में करना है आप जाके ये चेक करना एग्जीक्यूट करोगे तो ये जैसे डेटाबेस क्रिएट किया था ना वो वाली पे जाना आप तो यहां पर जैसे डेटाबेस किया है या टेबल क्रिएट किया ना ये वाला यहाँ पर सिंपल एग्जीक्यूट करके देखना एग्जीक्यूट अपडेट करके देखना एग्जीक्यूट क्वेरी करके देखना तब तीनों में समझ में आएगा क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बताता दूँ देखो एग्जीक्यूट में क्या है दिस मेथड यूज फॉर ऑल द टाइप्स ऑफ एस्कल क्वेरी जितनी भी एक्वल क्वेरी होती है उनको एग्जीक्यूट करने के लिए फायर करने के लिए हम एग्जीक्यूट को यूज करते हैं रिटर्न ट्रू और फॉल्स देता है देखो जब भी रिटर्न ट्रू देगा जब भी रिजल्ट सेट ऑब्जेक्ट होगा अब ये तुम चेक करना उसमें जो मैंने सिलेक्ट स्टार फ्रॉम करवाई थी वो रिजल्ट सेट वैल्यू दे रहा था तो उसको क्या करना एग्जीक्यूट क्वेरी करना और सॉरी एग्जीक्यूट लिखना उसके आगे क्या लिख देना आप बी एल uh, लिख देना वो ट्रू देगा ठीक है वो चेक कर रहा खुद से ठीक है एग्जीक्यूट अपडेट दिस मैथड इज यूज टू एग्जीक्यूशन ऑफ डी एम एल स्टेटमेंट्स डीएमएल स्टेटमेंट्स कौन सी होती है देखो एक डी डी एल होती है एक डीएमएल होती है डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज और डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज ये एक्सक्ल क्वेरी की टाइप्स हो जाती है दो तो इंसर्ट करना अपडेट करना डिलीट करना ठीक है विच इज रिटर्न इन ट वैल्यू काउंट ऑफ द अफेक्टेड रोज जैसे आपने कोई डिलीट करी एक रो तो एक रो अफेक्ट होगी एक काउंट आ जाएगा ठीक है दो हो गई तो दो अगर दो आपने रोज़ डिलीट कर दी जहाँ पे आपने दो कंडीशन डाल दी वेयर आई इक्वल्स टू इलेवन एंड आई डी कल्स टू ट्वेल्व तो दो बंदों का डाटा डिलीट हो गया तो ऐसे ये रोज़ काउंट कर काउंट करके कर देता है ठीक है ऐसे इंसर्ट किया है या अपडेट किया है कितने रोज़ में इंसर्ट किया कितने रोज में अपडेट हुआ है तो ये होती है डी एम एल यहाँ एग्जीक्यूट अपडेट ये वैल्यू देता है स्पेसिफिक वैल्यू है ना एग्जीक्यूट क्वेरी में जो भी हमारी सिलेक्ट क्वेरी होती है ना उसी के लिए सिर्फ़ हम एग्जीक्यूट क्वेरी यूज़ करते हैं ये हमारे को रिजल्ट सेट वैल्यू देता है रिजल्ट सेट ऑब्जेक्ट रिटर्न द डाटा अकॉर्डिंग टू द क्वेरी ठीक है तो तीनों चीजें समझ गए एक हमेशा सेलेक्ट के साथ यूज होगा वो हो गई एग्जीक्यूट क्वेरी दूसरा एग्जीक्यूट अपडेट जो हम इंसर्ट अपडेट डिलीट के साथ यूज कर सकते हैं और एग्जीक्यूट जो हम सबके साथ कर सकते हैं ठीक है No कोई कंफ्यूजन है कुछ है तो दिक्कत है तो मेरे को अभी बताओ ठीक है हमने क्या किया एक बार पूरा फिर से मैं दिखा देता हूँ आपको सबसे पहले हमने क्या किया डाटा क्रिएट किया ठीक है उसके अंदर हम यहाँ पर कोई डाटा बेस नहीं करते यू के अंदर हमारा सिर्फ पोर्ट तक होता है या पोर्ट भी नहीं रखोगे तब भी हो जाएगा यू आर एल यूज़र नेम पासवर्ड सिंपल रख दोगे ठीक है स्टेटमेंट क्रिएट करी हमने एक क्वेरी करी क्वेरी को एग्जीक्यूट किया सिंपल ठीक है डाटा बेस क्रिएट हो गया ओके okay. इसके बाद हमने क्या किया टेबल को क्रिएट करने की एक पूरी क्वेरी लिखी इसको एग्जीक्यूट करके देखा लेकिन इस बार हमारा क्या हुआ कोडिंग वाला हमारा डेटा बेस का नेम ऐड हो गया यही डेटा बेस का नेम ऐड करके मैंने कैसे देखा मैंने एक बार डी बी में नेम रखा और यहाँ पर मैंने डी बी प्लस और यहाँ पर मैंने यू आर एल प्लस डी बी किया कनकेटिनेशन करके मैंने यहाँ पर इनको चेक करवाया है ना तुम्हारे को ये भी एग्जीक्यूट हो रहा था हमारा इसमें भी सिर्फ मेरी क्वेरी चेंज हो रही थी बाकी मैं यहाँ पर भी एग्जीक्यूट करा इसको एग्जीक्यूट अपडेट करके तुम कर चेक करना वो भी वर्कआउट होगी मैंने करवाई थी है ना रीड डेटा में क्या किया इसमें हमने कुछ बार नया किया ठीक है इसमें क्या किया हमने रिजल्ट सेट में वैल्यूज़ को रखा है एक सेट में वैल्यू हमारे को आती है फिर हमने वो सारी एक एक करके गेट करी जिसमें हमने वैल्यूज़ डाली है ना इनसेट में भी हमने प्रिपेयर स्टेटमेंट करी थी जहां पे हमने सेट करी सेट इंट सेट स्ट्रिंग सेट स्ट्रिंग है ना और आर एस डॉट गेट स्ट्रिंग गेट स्ट्रिंग ठीक है अपडेट डेटा में हमने सिम प्रिपेयर स्टेटमेंट का यूज किया है आप दूसरे तरीके से भी यूज करके कर और आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो क्वेरी भी ले सकते हो पूरी ठीक है प्रिपेयर स्टेटमेंट की जरूरत नहीं होगी वहां कंकेटिनेशन लगाना पड़ेगा तो वो ट्राई करना डिलीट के लिए मैं तुम्हारे को दे रहा हूँ खुद कर सकते हो ठीक है अब मैं तुम्हारे को बताता हूँ रियल लाइफ में देखो जैसे ये एक में हमने कर दिया ना सबको कॉल कर सकते थे इसमें क्या देख रहे थे हम बार बार यूरल यूजर नेम पासवर्ड बार बार हम लिखे जा रहे हैं बार बार हम क्वेरी लिखे जा रहे हैं इस इधर ही क्वेरी है इधर ही हर चीज़ है बार बार ये रिपीट कोड कर रहे हैं तो कोड हमेशा आपका ड्राई होना चाहिए डोंट रिपीट योर कोड अदरवाइज यू विल बी द क्रिमिनल इन द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फील्ड राइट right. तो इससे बचने के लिए कुछ लेयर्स का बनता है ठीक है कुछ ओप्स को हम रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं ठीक है जैसे हमारा डाटा रिजल्ट सेट में आ रहा था इसको हम कहीं रखते हैं कलेक्शन में वो कैसे किया कैसे प्रोजेक्ट की फॉर्म में कर सकते हो कैसे एक रियल लाइफ में एप्लीकेशन बनता है उसमें चेंज होता है उसमें एक पूरी एक प्रोग्राम नहीं लिख दे देगी फाइल में तो वो कैसे होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ ठीक है समझाता हूँ कैसे बनती हैं चीज़ें जुड़ती हैं ओके okay. लेट्स गो तो एक क्राउड एप्लीकेशन जो बनता है उसकी डिफरेंट होती है अकॉर्डिंग ठीक है उसके पीछे के पैटर्न अलग होते हैं कुछ चीजें टूट जाती है फाइल्स के अंदर लेयर बाय लेयर में होती है चीजें ठीक है वो क्यों होती है कैसे होती है अभी समझेंगे ठीक है जैसे मैंने ये अपनी ऐप क्लास बनाई है इसके अंदर क्या है मेरे सारे मेन मेथड वाले जो अंदर कॉलिंग वाले काम है वो सब यहाँ हो रहे हैं स्विच केस लगाया है मैंने ठीक है जो भी मेरे को कॉल करना है जो भी चॉइस डालूंगा वन टू थ्री फोर वो सब कुछ यहाँ पर है एक डेटाबेस की लेयर है बार बार मैं क्या कर रहा था डेटा को यहाँ बार बार हर जगह स्ट्रिंग यू डी बी यूजर नेम पासवर्ड बार बार रिपीट कर रहा था आई डोंट वॉन्ट टू बी रिपीट दैट कोड ना तो मैंने क्या किया है? एक मैंने डाटा बेस की एक अलग से क्लास बना ली है इसका ऑब्जेक्ट बना के दोबारा कॉल कर लिया करूंगा राइट एम्प्लॉय डॉट जावा बनाइए इसमें क्या है ये देखो कि अगर ध्यान से आई डी नेम ई मेल सैलरी जो मैं टेबल के अंदर स्टोर कर रहा था ना वैल्यूज़ को या टेबल बना रहा था वो यहाँ पर देखो उसकी पूरी क्लास है जैसे एम्प्लॉई वहाँ पे स्टूडेंट हो गई ठीक है तो जो भी आपकी टेबल होती है उसके अकॉर्डिंग आपकी एक क्लास बनती है सेम एम्प्लॉई डाओ होती है ये रिस्पॉन्सिबल होती है इम्प्लॉय डाओ क्लास किसके साथ जो हमारा ये होती है एक्चुअली डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट ये ओनली क्लास रिस्पॉन्सिबल है डेटा से डेटा लेने में और कनेक्टिविटी के लिए ठीक है ना इम्प्लॉ क्लास होती है ना डीबी क्लास होती है ना ही ऐप क्लास होती है ओके इम्प्लॉ क्लास होती है एक्चुअली में ठीक है अगर आप इसमें ध्यान से देखोगे कहीं भी मैंने क्वेरी नहीं लिखी ठीक है अपने माई एसको के कोड के अंदर मैं जैसे स्ट्रिंग क्वेरी अपडेट स्टूडेंट सेट लिख रहा था बट यहाँ पर तुम देखो प्रिपेयर स्टेटमेंट में कोई भी मैंने क्वेरी लिखी है क्रिएट इम्प्लॉय कर रहा हूँ यानी कि मैं इंसर्ट कर रहा हूँ इस टाइम पर कुछ लिखा है नहीं लिखा ठीक है अपडेट कर रहा हूँ अपडेट वाली में आ जाओ ये देखो अपडेट वाली में भी कोई क्वेरी दिख रही है नहीं लेकिन आप ध्यान से देखोगे यहाँ पर स्ट्रिंग क्वेरी इक्वल टू क्वेरी डॉट अपडेट यानी कि क्वेरी मेरी कोई क्लास है वहाँ से मेरा अपडेट कोई वैल्यू आ रही है तो ये देखो क्वेरी मेरी क्लास वहां से अपडेट आ रही है यहां पर मैंने सारी की सारी अपनी क्वेरीज लिख रखी है ऐसे कुछ काम हो रहा है ठीक है इसको जब रन करके देखते हैं कितना फैंटास्टिक दिखता है चलो अब इसको प्रोग्राम को रन करके देखते हैं पूरा मतलब एप्लीकेशन को कैसा दिखता है ठीक है आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दैट सी सो अभी हमारे को एक ऑप्शन दिखेंगे क्रिएट रीड अपडेट डिलीट चार ऑप्शन आए बिल्कुल बेसिक से आए ठीक है अब हमको देखना है रीड करके कितना डाटा स्टोर है टू किया एंटर देखते हैं सी ये आ गया आपके पास अब अगर ये आप देख पा रहे हो ये एक किस फॉर्मेट में आ रहा है ये आपको एक एरे लिस्ट के फॉर्मेट में दिख रहा है यस yes! हम यहां पर कलेक्शन फ्रेमवर्क का यूज कर रहे हैं देखो मैं आपको दिखा दूप डॉट जेवा पे जाओ और ये हम कर रहे थे डाउ लेयर में ठीक है डाउ लेयर पे आओगे यहां पर अब यहां पर आए हम ये देखो रीड ऑल एम्प्लॉय यहां पर देखो मैंने एरे लिस्ट किया रिटर्न में एरे लिस्ट कर रहा हूं ठीक है यहीं पर मैं देखो वाइल आर एस डॉट नेक्स्ट चल रहा है बट एम्प्लॉय कहां पर ऐड होगा मेरा देखोगे आप एम्प्लॉय लिस्ट के अंदर ठीक है यही मेरा ऐप डॉट जावा रिसीव कर लेगा यहां पर देखो यहां पर आओगे आप सी एरे लिस्ट एम्प्लॉय लिस्ट एम्प्लॉयड आओ इसके अंदर हमारी एक एरे लिस्ट के अंदर वैल्यू आई फिर फॉर ईच लूप से वो वैल्यू बार बार पर हमने प्रिंट कर ली तो ये हमारा चल रहा है यहां पर हमारा कलेक्शन फ्रेमवर्क लग गया अब देखो मैं ये क्या होता कहीं हमको डाटा सेंड करना हो तो या मैं अभी आपको समझाऊंगा पूरी साइकिल कैसी होती है सॉफ्टवेयर साइकिल ठीक है अभी रीड हो गया अभी मेरे को क्रिएट करना हो ठीक है तो वन एंटर अब आई डी नेम ई मेल सैलरी डाल दो ठीक है तो मैं यहां पर डाल सकता हूं कुछ भी किंग किंग सॉरी आई डी है ना तो आई डी डाल देते हम हंड्रेड ठीक है किंग और किंग एट द रेट जी मेल डॉट कॉम ये लो ठीक है ई मेल हो गई सैलरी डाल देते लो भाई पता नहीं कितनी है ठीक है अब ये हो गई इंसर्ट पूरी क्वेरी आ गई आ आपके सामने ठीक है ये मैंने प्रिंट करी है आप लोगों को समझाने के लिए नो no. अब मैं फिर से रीड करूंगा सी लास्ट में आप देख पा रहे हो क्या जनरेट हो गया आई डी एम्प्लॉय किंग ई मेल आई डी और उसकी सैलरी कैसे ठीक है क्योंकि हमारी इंसर्ट हो गई अब तुम्हें पता चल गया कैसे हो रहा है ऑपरेशन तो ये एप्लीकेशन की फॉर्म में कैसे बदला है ठीक है अभी मैं डिलीट करना चाहूँ लाइक फोर का ऑप्शन दबा दिया मैंने अब आई डी मेरे को देनी है सिर्फ ये लो हंड्रेड गिरा डिलीट ठीक है अभी देखना चाहोगे सेकेंड लो भाई

राइट right. इससे क्या है मैं जितना भी कॉलिंग का पार्ट है जितना भी मेरा स्विच का पार्ट है ठीक है जिसमें कुछ ज्यादा फालतू का लॉजिक वॉजिक नहीं है छोटी छोटी, छोटी चीजें वो कॉलिंग का पार्ट ये हैंडल कर रही है राइट right. इसके बाद मैंने एक क्लास बनाई है वो है मेरी डी बी डाटा बेस ये मेरी डाटाबेस कनेक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है कनेक्टिविटी के लिए सिर्फ ठीक है ऑपरेशन के लिए नहीं फिर मैंने एक फिर मैंने एक डाओ लेयर बनाई है ठीक है डाओ वो मेरी क्या थी एम्प्लॉय डाओ और एक मैंने बनाई थी एम्प्लॉय क्लास राइट right? ये एम्प्लॉय क्लास किस लिए बनाई है क्योंकि जब भी मेरे को डाटा इंसर्ट करना हो क्रिएट करना हो कंस्ट्रक्टर के थ्रू कर रहा था जो भी कर रहा था राइट right? तो वो मैं किसके थ्रू कर पाऊं अपनी क्लास के थ्रू तो जो भी मेरे टेबल में जितने भी मेरे कॉलम होंगे ठीक है उतने ही मतलब वो वैल्यूज है है ना कि स्टूडेंट है तो स्टूडेंट की आईडी नेम पासवर्ड या एम्प्लॉय एम्प्लॉय आईडी नेम ईमेल आईडी सैलरी पासवर्ड जो भी वट ठीक है तो वो सारे कॉलम्स जो हैं वो एम्प्लॉय के क्या हो जाएंगे डेटा मेंबर्स है ना डेटा मेंबर्स में एक डाउ लेयर बनेगी वो किस लिए रिस्पॉन्सिबल होगी वो होगी डेटा ऑपरेशन के लिए डेटा ऑपरेशन के लिए कौन से ऑपरेशन है वो है हमारे एक्चुअल में क्रड ठीक है क्रड क्रिएट करना करना रीड अपडेट करना डिलीट अब ये एक दूसरे से लिंक कैसे हैं? कैसे हमने एक सॉफ्टवेयर में दिया है इसको तो देखो सबसे पहले क्या है एक सॉफ्टवेयर का मतलब कोई यूआई इंटरफेस होगा यहां ये हमारा हो गया डाटा ठीक है डाटा और कोई आपका एक यूआई इंटरफेस होगा इंटरेक्ट करने के लिए

ठीक है कोई क्वेरी कुछ चेंज करनी है कुछ भी देखना है तो क्वेरी के लिए हमको एक सिर्फ क्वेरी वाली क्लास में जाके चेंज कर देंगे डाटा बेस है तो सिंपल सीधा डाटा बेस में जाके हम सीधा एक ही जगह पर डाटा बेस चेंज कर सकते हैं अब मेरे को हर एक मेथड में डाटा बेस चेंज नहीं करना पड़ेगा ठीक है क्योंकि मैं वह वहीं से हर चीज़ क्या कर रहा हूं कॉल कर रहा हूं राइट right? अब ऐप से मैंने क्या किया मान के चल लो कि मैंने क्रिएट करने के लिए कॉल कर दिया ठीक है क्रिएट करना डाटा तो क्रिएट करने से पहले मेरा डाटा बनना तो चाहिए तो वो बनेगा यूजर से इनपुट आ रहा है कैसे जा रहा है ठीक है कैसे क्रिएट हो रहा है तो वो कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट बनेगा एक है ना क्योंकि एम्प्लॉय का हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया उस ऑब्जेक्ट के पास बहुत सारी वैल्यू स्टोर कर ली राइट right. तो हम क्या करेंगे अपना ऑब्जेक्ट कॉल कर देंगे राइट right? या ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे मान लो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट क्रिएट किसका होगा जो हमारी मेन क्लास होगी इसके बाद वो ऑब्जेक्ट हमारा कहां स्टोर होना है डेटा बेस में कौन स्टोर करेगा जो हमारी डाउ लेयर होगी डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट लेयर ये एक्चुअल में डेटा को एक्सेस करेगी ऑब्जेक्ट के थ्रू और वहीं पर पास करेगी ऑब्जेक्ट के थ्रू यहां पर हो जाएगा सेम अब वो क्या करेगी उसके पास जैसी डाटा जाएगा वो क्या करेगी बीच में हमारी एक क्वेरी की क्लास को लेगी ठीक है वहां से क्वेरी लेगी जो उसको क्वेरी चाहिए और वो क्वेरी एज अ आर्ग्यूमेंट अपना पास होगी किसी मेथड में जो भी हमारा रिस्पॉन्सिबल होगा मेथड ठीक है और वो सीधा डाटा बेस के अंदर इंटरेक्ट हो जाएगा क्योंकि क्वेरी डाटा बेस से इंटरेक्ट करती है राइट और वहां से अपना डाटा आ जाएगा सेम आपको सिलेक्ट करना होगा तो सेम वही होगा ऐसे उल्टा होने लग जाएगा ही मतलब डाटा आने उल्टा हो जाएगा लेकिन प्रोसेस तुम्हारी यही चलेगी

ये कुछ लाइब्रेरीज जुड़ जाएंगी तो ये उसमें अंडर डेवलपमेंट में जुड़ जाएगा बट पीछे का प्रोसेस यही रहने वाला दिस इज द एक्चुअल एक्चुअल कोडिंग एंड प्रोसेस बिहाइंड द सीन यस अब अब अगर जैसे आप देखोगे डेटा बहुत सारा आता है ठीक है डेटाबेस में या बहुत सारा हमको अब यही आपको देखना है और किसी फॉर्म पे प्रिंट करना है ठीक है किसी पेज पे तो क्या करोगे आप वो डाटा बेस से आएगा किस में आएगा एक एरे लिस्ट में आ जाएगा एक लिंक लिस्ट में आ जाएगा एक सेट में आ जाएगा ठीक है एक क्यू फॉर्मेट में आ जाएगा किसी भी फॉर्मेट में आ सकता है मैंने कलेक्शन फ्रेमवर्क आपको पढ़ा है जिस लिए चाहिए होगा जैसे फॉर्मेट में चाहिए होगा वही हम क्या करेंगे डेटा स्ट्रक्चर यूज करेंगे कलेक्शन फ्रेमवर्क से वो आएगा उल्टा होते हुए ठीक है वो यू पे जाके दिखा देंगे प्रिंट कर देंगे तो ऐसे हमारी वर्किंग होती है ठीक है तो अभी आप कैसे ट्राई कर सकते हो अपना खुद का सॉफ्टवेयर कैसे बना सकते हो पूरा एप्लीकेशन की सॉफ्टवेयर साइकिल को मेंटेन कैसे कर, कर सकते हो वो उस वाले एप्लीकेशन से देख लेते हैं ठीक है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा सबसे पहले एक क्लास बनाना ठीक है उसके अंदर स्विच केस जितने भी क्रिएट अपडेट डिलीट ये सब बन रहे जब तक वो उसका काम ना हो जैसे मैंने यहाँ पे किया इनपुट ले लिया ठीक है अब मेरे को इंसर्ट करना है एम्प्लॉय यहाँ पर देखोगे का क्या बन गया ऑब्जेक्ट बन गया राइट अब इसको मुझे डाटा बेस में करवाना है एंटर राइट right? तो मैंने क्या किया पहले तो स्कैन किया यहाँ से फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट बनाया ये इम्प्लॉई क्लास से गया तो इम्प्लॉई क्लास मैंने पूरी बना रखी है एक कंस्ट्रक्टर बनाया उसमें सारी डाल दी ये चीजें ये पढ़ा रखी है ऊप में दोबारा पढ़ना अगर भूल गए तो गेटर बनाए क्योंकि मेरे को गेटर की जरूरत थी सेटर की जरूरत नहीं थी सेटर बना सकते हो टू स्ट्रिंग भी लगाया टू स्ट्रिंग का काम यार देखो इसका काम ना प्रिंटिंग में हेल्प करता है ये जब बनाऊंगा तब मैं आपको दिखा दूंगा ठीक है तो तुम बेशक मत बनाना टू स्ट्रिंग कोई दिक्कत नहीं है इसके बाद क्या मैंने ये हो गया तुम्हारा काम डाओ लेयर का ठीक है अब ये क्या करेगी इम्प्लॉय डाओ डॉट क्रिएट इम्प्लॉय पे कॉल हो जाएगा अब ये डाओ पे चला गया इसके अंदर इम्प्लॉय कॉल हुआ है ठीक है अब यहाँ पर हम डाओ आ गए और ये हमारा क्रिएट कहाँ आ गया लो ठीक है ये रहा क्रिएट इम्प्लॉय ये मैथड कॉल हुआ इस मैथड में देखोगे हमने इंप्लॉय पहले से पास कर रखा है ठीक है अभी डाटा बेस की कनेक्टिविटी हो रही है कनेक्शन डी वी डॉट कनेक्ट ये डी वी क्लास है ये लो यहाँ पर हमने क्या है यूज़र नेम पासवर्ड यहीं पर मैंने डाटा बेस कर रखा है यहाँ पर मैं अपना अलग से डाटा बेस नेम कर सकता जो मैंने आपको सिखा दिया राइट right. तो वैसे आप कर सकते हो ठीक है डाटा तो अब क्या करोगे देखो एम्प्लॉय डाउ में यहाँ भी कनेक्शन डे बी कनेक्ट है कनेक्शन डीबी कनेक्ट है अपडेट सब में वही अब मेरे को दोबारा वो ट्राई कैच का ये पूरा डाटा का कोड दोबारा कॉपी पेस्ट तो नहीं करना पड़ रहा बस एक ऑब्जेक्ट बनाना है ठीक है दूसरी चीज अब मेरे को वो क्वेरी चाहिए हमेशा एक क्वेरी चाहिए होती है तो देखो मेरे को यहाँ इंसर्ट की क्वेरी चाहिए थी तो मैंने क्वेरी डॉट अलग से ले ली अब मेरे को कोई क्वेरी यहाँ पे चेंज करनी है कुछ क्वेरी में प्रॉब्लम आ रही है यहां हूँ सीधा क्वेरी वाली क्लास में सारी क्वेरीज हैं तो यहाँ पर क्वेरीज में तुम क्या ट्राई कर सकते हो मैंने अभी सिंपल वेरिएबल्स में ले लिया है तुम क्या कर सकते हो इसको प्राइवेट कर दो फिर गेटर गेटर सेटर बना दो इसके तो सेटर से बंदा एक्सेस कर सकता है बस इतना डिफरेंस रहेगा और कुछ नहीं तो क्वेरी इंसर्ट आ गई क्वेरी यहाँ पर अपडेट आ गई ठीक है जो भी आप देखोगे नीचे भी देखोगे क्वेरी क्वेरी सिलेक्ट हो गई ठीक है अब देखो यहाँ पर हमने क्या देखा था एक एक करके चीजें हम निकाल रहे थे सिलेक्ट करके है ना तो उससे मैंने क्या कर लिया एरे लिस्ट में स्टोर कर लिया वो मैं भेज सकता हूँ क्योंकि मैं एक हर एक चीज थोड़े ना भेज सकता हूँ वरना मेरे को प्रिंट करनी पड़ रही है मान के चलो मेरे को कहीं यू आई इंटरफेस पर भेजनी है किसी को भेजनी है तो मैं क्या करूंगा कहीं स्टोर तो करूंगा प्रिंट थोड़े ना करवानी है मेरे को कंसोल में राइट मेरे को कहीं यू आई पे प्रिंट करवानी है तो मेरे को उसके लिए लिस्ट होगी मेरे पास उस लिस्ट को भेजूंगा मैं ठीक है तो मैंने उस एरे लिस्ट में स्टोर किया है ये यह देखो यहाँ पर ठीक है एम्प्लॉय लिस्ट डॉट ऐड हो रहा है ओके अभी इसके बाद तुम्हारा फिर काम क्या हो जाएगा एम्प्लॉय डाउ में चल रहा था ना ठीक है एम्प्लॉय डाउ में आ गए लो अभी यहां पर हमारा क्या था क्रिएट ठीक है क्रिएट में बाकी सारी चीजें हमारी क्या रही सेम रही वही सेट कर रहे हैं प्रिपेयर स्टेटमेंट से सब प्रिपेयर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करी प्रिपेयर स्टेटमेंट क्लोज भी कर दी सब वही चीजें हो रही है तो एक ही काम कर देना लास्ट में उसके बाद सब ट्राई करो इंप्लीमेंट करो मुझे लगता नहीं है कितना मुश्किल है और उसके बाद तुम चाहोगे तो मैं इसका पूरा वन शॉट लेके आता हूं फिर और समझाता हूं ठीक है तो उसमें और मजा आएगा पूरा खुद का इंप्लीमेंटेशन दिखाता हूं अगर तुम नहीं कर पाते हो बाकी मुझे लगता है तुम कर सकते हो यू कैन डू दैट ओके सो जाओ ट्राई करो नहीं होता तो मैं हूं यार टेंशन किस बात की ओके बाय बेस्ट ऑफ लक और बहुत सारी वीडियोज आ रही हैं क्या चाहिए तुम्हें और बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में आई एम रेडी टू मेक यू डोंट वरी मैन बाय बेस्ट ऑफ लक